game to her. Good morning. मुझे बस एक बात कहनी है, नहीं दो बात कहनी है मुझे. कि फर्स्ट मेरा एक एक्सपीरियंस, मैं कल सो रही थी तो मुझे एक बात याद आई और फिर एक रियलाइजेशन हुआ कि जब दो तीन महीने जब पहले कॉलेज स्टार्ट हुई थी उसके दो महीने बाद हमारी मैम ने एक गेम खेलाया, मतलब फिश पॉन्ड करके, जिसमें आपको बुराइयाँ अच्छा कुछ भी आप लिखते हो पता नहीं चलता. उसमें मेरे लिए एक 5 चीज़ आई थी और सब में एक बात थी कि एटीट्यूड है, ईगो है, ये बात थी. और मुझे बहुत ही ज़्यादा बुरा लग गया था उस बात का, क्योंकि मैं यही सोचती थी कि मैं सबका अच्छा कर रही हूँ, मैं सबको नोट्स दे रही हूँ, असाइनमेंट्स दे रही हूँ, अपने क्वेश्चन आंसर सबको मैं ही क्लास में सबको दे रही थी, तो भी क्यों कोई मुझे बोल रहा है कि मेरे में एटीट्यूड है या ईगो है. ये बात मुझे बहुत बुरी लगी थी और ये बात जब आई मैं यहाँ पे तब तक ये मन में ही था और मेरा सबके प्रति एक एटीट्यूड भी चेंज हो गया था. अब मुझे लग रहा था नहीं, अब मुझे कुछ नहीं करना है, किसी को कोई नोट्स नहीं देने, मैं क्यों अच्छी बनूँ, यही सब था. और फिर फ्रेंड्स भी यही कहते थे कि नहीं तुम्हें तुम छोड़ना यार, रहने दे, सब ऐसे ही बोलते हैं, ऐसा होता रहता है. बट यहाँ पर आके ऐसा पता चला कि एक सूत्र, एक फॉर्मूला दिया कि जो स्वयं में सम्मानित है उसे कोई अपमानित नहीं कर सकता और जो स्वयं में अपमानित है उसको कोई सम्मानित नहीं कर सकता. और आप ही अपने सुख का रीज़न हो, आप ही अपने दुख का रीज़न हो. तो ये बात बहुत अच्छे से समझ में आई कि मैं जो सोच रही थी वो मैं गलत सोच रही थी. मैं खुद ही क्यों अपने में वो कर रही हूँ कि मैं ऐसी नहीं हूँ, मैं ऐसी हूँ, या मैं ऐसा नहीं करूँ या मैं ऐसा करूँ, जिससे मैं क्यों अच्छा बनना चाहती हूँ या मैं दिखाना चाहती हूँ कि मैं ये हूँ, मैं तुम लोग का अच्छा कर रही हूँ, मैं ऐसी हूँ, तो मुझे तुम रिस्पेक्ट दो, मेरा तुम सम्मान करो और मेरे लिए अच्छा अच्छा बोलो. यही सब मतलब पीछे एक बैकवर्ड माइंड में एक यही प्रोसेस रहता है, थॉट प्रोसेस, कि मुझे यही करना है, मतलब सब यही बोले मेरे लिए. तो ये बात मुझे यहाँ पर बहुत अच्छी लगी और ये चेंज आया मेरे में कि अब से मेरा ये थॉट तो नहीं रहेगा, लाइक मैं ही अपने सुख का ही रीज़न हूँ, मैं ही अपने दुख का रीज़न हूँ, मैं किस वे में ले रही हूँ, किस वे में मैं एक्सेप्ट कर रही हूँ, वो बात होती है. और सेकंड थिंग कि शरीर परिवर्तनशील है, मन है जो हमारा सोल, मैं शरीर सिर्फ एक व्हीकल है जो मतलब शरीर चला रहा है. आई एम ड्राइविंग माई बॉडी, मेरा सेल्फ बॉडी को ड्राइव कर रहा है, मैं नहीं कर रही. तो ऐसा होता है मुझे कुछ भी खाने का मन हुआ या कुछ भी टेम्पटिंग होती है कुछ भी खाने की, तो लगता है कि मैं अपने मन के हिसाब से नहीं चल रही, मेरा शरीर मुझे चला रहा है, मैं नहीं उसको चला रही हूँ. क्योंकि भूख मुझे लगती है, मुझे ऐसा मन होता है कि मैं कुछ खाऊँ, फिर वो जो हेल्थ के लिए ख़राब हो, अच्छा हो, कुछ भी ऐसे चटर पटर करते रहते हैं, ये सब होता है. तो ये भी समझ में आया कि आई एम नॉट लाइक बॉडी इज ड्राइविंग मी, आई एम नॉट ड्राइविंग माई बॉडी, बट एग्जिस्टेंस में है कि बॉडी, मैं बॉडी को ड्राइव कर रही हूँ. तो मैं अपने मतलब मैं अपने हिसाब से चल रहा हूँ उसको, अभी बॉडी मुझे उसके हिसाब से चला रहा है कि अभी तुम्हें खाना है, ये करना है, सब ऐसे. और थर्ड थिंग कि यहाँ पे आके मुझे बहुत ही अच्छा लगा. एक तो ये भी पता चला, मतलब ये भी हुआ मन में कि मतलब इस एटमोसफियर का, इस एनवायरनमेंट का पार्ट बनी मैं. और हुआ कि मतलब हमारे जो गोल्स और ड्रीम्स सब है, जैसे पैसा कमाना है, घर बना लेना, गाड़ी लेना, बस यही तक ड्रीम सीमित है और गोल्स हैं, और कुछ सभी के गोल्स यही होते हैं. तो यहाँ पे आके यही हुआ कि यहाँ पे बहुत सारे सभी, आप सभी लोग ये हो, आप अपने ड्रीम्स और मतलब ये सब आपने पूरा कर चुका है अपना, आपके पास घर है, गाड़ी है, पैसा है, सब है. बट ये होता है कि फिजिकल फैसिलिटीज से सुख मिलता है बट टेम्पररी होता है. बट हमें हर जगह इमोशनल नीड, मतलब हमें इमोशंस की नीड रहती है हमेशा. जैसे आप अभी भी लाइफ के स्टूडेंट्स बन के इधर आए हो, सब सुन रहे हो, आप सब समझ रहे हो, आप सब स्टेज पे पहुंच गए हो. उस स्टेज पे वो आंटी ने भी बोला था कि उनकी लाइफ पूरी, मतलब उनको लग रहा है अभी इस स्टेज पे आके मेरा सब, उनको पहले इतना सारा मन में था बट बाद में उनको रियलाइज़ हुआ
कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैं अभी भी वो सीख रही है कुछ। मुझे भी ऐसा लगता है, मेरी मम्मा मुझको टाइम नहीं देती, ये नहीं देती, बट यहाँ पे आके मैं प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस सबके देख रही हूँ। मतलब एक बात होती है एक सुनना, जो कहते रहते हैं तुम पढ़ाई करो, तुम ये करो वो करो, और एक दूसरी बात होती है देखना। हम जैसे मेरी जनरेशन, हम सब देख के हमें बहुत ज़्यादा वो लगता है कि नहीं ये हो रहा है, मतलब ऐसा होना चाहिए। हम देखते उससे ज़्यादा वो होता है हमें कि ये सब चल रहा है। लाइक बहुत बड़े बड़े सब यहाँ पे बैठे हुए, आप लोग, आप सब ने सब कर लिया है, फिर भी आप यहाँ पे हैं, आप सीख रहे, हमारे साथ ही बैठे हुए आप सब। मतलब होता है ना, इमोशनल नीड की सबको ज़रूरत है, फिजिकल नीड से सब खत्म, सब हम पा नहीं सकते। सबको रिलेशंस ही, कहीं ना कहीं मन में ये नहीं रहता कि मेरे पास मर्सिडीज नहीं है, ये लगता कि मेरे साथ, मतलब मेरा इस रिलेशन से मेरी बात नहीं हो रही है या मन दुख है, ये हमें ज़्यादा परेशान करता है मन में। ये बात लगी, फिर वो एक एग्जांपल था उनके भाई का बिजनेस में, मतलब सब कुछ मिल जाता है, पर ये था उनके भाई उनको समझ नहीं रहे हैं। ऐसा ये होता है ना कि नहीं वो मुझे समझ नहीं, तो मूल में रिलेशंस ही सब कुछ है, रिलेशन की वैल्यू है, इमोशंस की वैल्यू है, हमें फिजिकल फिजिकल तो सब पूरा हो जाता है, बट ये रहता है अगर मेरी मम्मी बात नहीं करी तो सबसे ज़्यादा खटकेगा मुझे, यही सब। और बहुत मुझे अच्छा लगा कि मैं यहाँ पे सबको देख रही हूँ, प्रैक्टिकल सुन रही हूँ, एक्सपीरियंस बहुत अच्छा हो रहा है मेरा यहाँ पे, और एक्सपीरियंस से मुझे सीखने को मिल रहा है कि आप सब ऐसे स्टेज पे जहाँ पे मैं पहुँचना चाहती हूँ, मेरा ड्रीम है, बट हो गया ये, मतलब बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत समझने को मिल रहा है। थैंक यू। जितनी रिक्वायरमेंट है प्रकृति के पास उससे कहीं 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 ज़्यादा उपलब्ध है। हम लोग बेवजह भय के कारण संग्रह करते हैं, संग्रह के कारण फिर प्रतिस्पर्धा चालू होती है, फिर रेट हाई हो जाते हैं, फिर गरीबों को वो चीज़ मिल नहीं पाती है, तो उसे फिर असंतोष मिलता है, लड़ाई झगड़े होते हैं, फिर दुख पैदा होता है। अगर हम ये समझ तो गए, अब अगर हम संग्रह प्रवृत्ति से बचे। हाँ देखिए, मैं फिर से कहना चाहता हूँ, जब आप यहाँ बोलते हैं कि समझ गए हैं, इसका इतना मतलब होता है कि जो बात हो रही है वो आपको लॉजिकली ठीक लग रही है, इमोशनली ठीक लग रही है, लग रहा है, अभी आपका नहीं हुआ है, तो समझ उसको आना बोलते हैं कि समझ है तो गलती नहीं, गलती है तो समझ नहीं। यदि आचरण में आ गया है इसका नाम समझ में आया है। जी सर। अभी आपको सुनने से अच्छा लग रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा आप किसी को सुना सकते हो, अभी आपके आचरण का हिस्सा बनेगा, ऐसा कहना मुश्किल है। धर्मेंदु शिविर, उसके बाद 12 बुक्स है ना, और विधिवत एक एक करके 12 बुक्स से गुजरना, इस बीच में परकुलेशन अपने भीतर अपनी पात्रता अनुसार होता रहता है। जी सर। जी बढ़िया, शुभकामनाएं। थैंक यू सर। हाँ, ऐसा मत बोलना वहाँ तो समझ में आ गया था, लौटने के बाद समझ में नहीं आ रहा है ना, तो ऐसा अभी समझ में नहीं आया, सुनने से अच्छा लग रहा है। बढ़िया। जैसे भैया ने पूछा केम छो, सबने कहा मजा, हम मजा में इसीलिए बोलते हैं क्योंकि हमको अपना मजा पता ही नहीं है, हम जिसको मजा समझ रखे वो मजा है ही नहीं, तो अपने मजे को हम मजे में बोलते हैं। वो अपने मजे को भी नहीं बोलते, हम मजे में जीना चाहते हैं, तो शिष्टाचार की भाषा ये है कि हाँ भाई अब कोई पूछ रहा है तो हाँ भाई सब ठीक है, अब कहाँ रोना गाना शुरू करें सबके सामने, तो अंदर से तो चाहे हो सकता है परेशान ही होंगे, लेकिन बाहर से कम ठीक दिखना चाहते हैं, ठीक बोलना चाहते हैं, और कहने का कोई फायदा भी नहीं, इसलिए पैकिंग बनाए रहे। क्या उपलब्धि रही? हाँ जी माइक। कब चीजें ऐसी होती है ना कि हमने अच्छा लग गया था, समझे नहीं थे बिल्कुल, फिर उसको इम्प्लीमेंट करना भी चालू कर दिया था, पर अच्छा लगने के में ही इम्प्लीमेंट किया था, तो वो एक एग्जांपल शेयर कर रहा था उनके साथ। बढ़िया बढ़िया। वो एग्जाम्पल ऐसा था बेसिकली कि हम अभी बात करते कि मेरी खुशी मेरी जिम्मेदारी है, ठीक है, और वाइफ की खुशी वाइफ की जिम्मेदारी है, तो ये बहुत पकड़ लिया था मैंने। तो घर पे जाता था तो मुझे क्या अच्छा लग रहा है मैं वो करूँगा, वाइफ को जो अच्छा लग रहा है वो वाइफ वो करेगी, उसकी वो दुखी है तो मुझे मेरा प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि मैं अंदर से सुख हूँ, मैं मतलब अंदर से खुश हूँ, ये हो रहा था। तो मतलब कहने का अर्थ ये था कि ये टाइम पे फिर बाद में ये रियलाइज भी हुआ कि जो ये कर रहा हूँ ये चीज़ में मेरी समझ के अभाव है कि मैंने वो चीज़ को अभी तक तो समझा ही नहीं है, प्रॉपरली समझा ही नहीं है मैंने,
तो वो एक एग्जांपल दे रहा था मैं उनको। तो समझदारी की परिभाषा है स्वयं गलती नहीं करना, स्वयं गलती नहीं करना, दूसरों की गलतियों से अप्रभावित रहना, स्वयं गलती नहीं करना, दूसरे की गलतियों से अप्रभावित रहना, दूसरों की गलतियों को ठीक करने की क्षमता के साथ बने रहना, कर नहीं देना, बने रहना, दूसरे की गलतियों को ठीक करने की क्षमता के साथ बने रहना। और अनुकूलता पाके दूसरे को भी समझदार बनाने में सहयोग करना, या दूसरे को भी समझदार बनाने के लिए सहयोग करना, मतलब उस तरफ से डिमांड आनी चाहिए, या आप कुछ कहो तो वो सुनने की मोड में हो, सामने वाला सुनना नहीं चाहता है, अपन सुनाना चाहते हैं, ये नहीं चलेगा। तो आपको देखना पड़ता है कि कितना सुनने की स्थिति में। तो दूसरे को समझदार बनाने की जिम्मेदारी के साथ दूसरे को भी समझदार बनने में सहयोग करना। तो जब ये कह रहे हैं कि मेरे सुख की जिम्मेदारी मेरी है, तो इसका मतलब ये बात आपको तब याद आती है जब दूसरे से आप दुखी हो जाते हैं, ये बात आपको तब याद आती है, जबकि ये बात याद रखने की है हर क्षण कि व्यवस्था को समझना सुखदायी काम है। हर क्षण मैं व्यवस्था को समझने में लगा हूँ और हर क्षण मेरे भीतर जो भाव और विचार चल रहे हैं उसको मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ, उसमें जो गैप्स हैं वो मुझको ज्ञान की रोशनी में दिखाई दे रहे हैं। इसलिए पहला काम है कि 12 बुक्स का अपने भीतर इंस्टॉल हो जाना, क्योंकि हर बार आपको कौन बताएगा कि आपके विचार कैसे चल रहे हैं। इसलिए अध्ययन की परिभाषा है, लिख लीजिए, अध्ययन की परिभाषा है ज्ञान की रोशनी में क्या कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, ज्ञान की रोशनी में क्या कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ। ये हर क्षण बना रहे, हर क्षण आपके भाव और विचार को आप देख पा रहे हो ज्ञान की रोशनी में, उसमें जो गैप्स हैं उसको पहचान रहे हो, उस गैप्स को कैसे पूरा करना है उस काम में लगे हो, इसका मतलब है कि मेरे सुख की जिम्मेदारी मेरी है। ज्ञान क्या है? 12-13 बुक्स में जितना है वो घोट के पी जाओ, इसका नाम ज्ञान है। क्योंकि सॉफ्टवेयर जब अपने भीतर लोड हो जाएगा, जैसे मेरे को बोलने के लिए किताब की जरूरत नहीं है, ठीक है, एक महीने भी अपन ऐसे आराम से चल सकते हैं क्योंकि मेरे भीतर वो सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो गया है। तो यदि हमारे भीतर सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो गया है तो एक पार्ट है कि मेरे भीतर सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो गया है, वो एक पार्ट है। दूसरा पार्ट है कि मैं खुश होने के लिए कुछ करता हूँ, जो कुछ भी मैं करता हूँ मेरा सॉफ्टवेयर उसको देखता है, उसमें कहाँ अधूरापन है, मेरे भाव और विचार में कहाँ अधूरापन है ये मुझको दिखाई देगा, और उसको कैसे ठीक करना है, उसके लिए क्या करना है, उसके लिए मैं कर सकता हूँ, है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब तक मेरे स्वयं के भीतर, क्यों अभी स्थिति क्या है, अभी हम अपने आप को जस्टिफाई करते हैं, तो दूसरे से दुखी हो गए तो अपने आप को बचाने के लिए हम ये किए कि मेरे सुख के लिए मैं जिम्मेदार हूँ, मैं दूसरे से प्रभावित नहीं होना, कोई बात नहीं, उस समय के लिए आपको अच्छा भी लगेगा, थोड़ा सा बच गए, लेकिन आपके भीतर तो वही है जो है। तो मेरे भीतर जो है वो है, यदि उसको ठीक करना है तो लगातार मुझको उसके ऊपर काम करना होगा। तो मेरी इनकम्प्लीटनेस यही नहीं है कि मैं दूसरों से प्रभावित होता हूँ, मेरी इनकम्प्लीटनेस जो मेरे अंदर है वो है ही है, और ये बार बार ये घटनाएं घटती रहेंगी। तो दूसरों की अयोग्यता से प्रभावित ना होना मेरी योग्यता है,
ये सॉल्यूशन नहीं है, कवच है, ये समझ के रखना। दूसरों की अयोग्यता से प्रभावित नहीं होना मेरी योग्यता है, ये सॉल्यूशन नहीं है, कवच है, उस समय के लिए आपको बचा लेगा, लेकिन ये परमानेंट आपके भीतर कुछ बदल नहीं गया है। वो जो भीतर वाला है उसको बदलने के लिए ज्ञान की रोशनी में क्या कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, लगातार उसमें करेक्शन लाते रहना, लगातार अपनी पूर्णता को, है ना, ये संसार क्या है, मैं क्या हूँ, करना क्या है, लगातार अपने भाव और विचार को पूर्णता तक पहुँचा देना, क्या पूर्णता, जैसा अस्तित्व में नियम है उसके अनुरूप हो जाना। इसलिए बहुत बढ़िया एक बात अपन करते हैं कि नियत नियति सहज हो जाए। अभी हमारी नियत कैसी है, वो शरीर के साथ जुड़ी हुई है, वो सामान के लिए दौड़ती है, वो शॉपिंग के लिए दौड़ती है, वो इंद्रिय सुख के लिए दौड़ती है, वो पहचान के लिए दौड़ती है। नियत नियति सहज हो जाए, नियति मतलब जो नियम से है। नियति किसको बोलते हैं, क्या इंग्लिश में क्या यूज करते हैं, डेस्टिनी। नियति मतलब डेस्टिनी। तो डेस्टिनी का मतलब क्या है, नियति का मतलब है जो नियति सहज है, जो नियम से है, उसका नाम नियति। तो नियत नियति सहज हो जाए, हमारी जो नियत है वो नियम के अनुरूप हो जाए, जो प्रकृति का नियम है, जो यूनिवर्सल लॉ है, उसके अनुरूप हो जाए, तो हमारी नियत बढ़िया वाली हो जाए। नियत अच्छी होगी तो बाकी सारा काम ठीक हो जाए। बढ़िया, तो ये लगातार अपने में अध्ययन करने का काम है, ये भी अपने आप में रोज 2 घंटे कम से कम, जिनके पास 2 घंटे हैं 2 घंटे लगाओ, 10 घंटे हैं 10 घंटे लगाओ, 1 साल के लिए अपनी प्रायोरिटी पूरा जितना शिफ्ट कर सकते हैं शिफ्ट करो, है ना। सुनना समझना नहीं होता है, सुनना बिल्कुल वैसे ही है जैसे सामने वाला कोई आपको गाना गा के सुना देता है, आपको अच्छा लगता है, इससे आपको गाना गाना नहीं आ जाता। आप गाओगे तो इतना बेसुरा गाओगे कि दोबारा वो बोल भी अच्छे नहीं लगेंगे। तो आपको भी अच्छा गाना गाने के लिए रियाज करना होगा, उस गाने को पूरा सीखना होगा, 2 लाइन गा के आगे में भूल गया, ऐसा थोड़े होगा। चलिए बढ़िया, हाँ जी और बोलिए। बट ये वहाँ पे चीजें पकड़ पा रहे हूँ। हाँ, उन्होंने एक चीज बोली थी कि मैं शरीर को नहीं चलाता, हाँ, और शरीर हम हमें चलाते हैं। ये एक्चुअली मैं खाली करेक्ट करना चाहता हूँ कि शरीर हमें कभी नहीं चला रहा है। हाँ, ये चीज हम ऑलवेज हम ही चला रहे हैं। हम जिंदा रहने की धरातल पे हम हमारी जब इंद्रिया को ज्यादा इम्पोर्टेंस देते तब हम ही शरीर को वो देते। मैं ही शरीर से प्रभावित होके और शरीर के अनुसार मैं चलना शुरू कर देता। कल भी ये बात आई थी कि गाड़ी ने मुझको प्रभावित कर दिया, कोई दूसरी वस्तु ने मुझको प्रभावित कर दिया, या भौतिक वस्तुओं के कारण लड़ाई होती है, है ना। तो भौतिक वस्तुओं के कारण लड़ाई नहीं होती है, मेरी समझ में कमी के कारण लड़ाई होती है। तो किसी चीज़ का अवमूल्यन भी नहीं करना है, हमारा मकान भी ठीक हो, हमारे कपड़े भी ठीक हो, हमारी गाड़ी भी ठीक हो और हमारा मन भी ठीक हो, इतनी बात कह रहे बस जी। होती है लव मैरिज हो, अरेंज मैरिज हो, बट फिर मैं सोची थी ये लव होता क्या है, यू नो व्हाट इज लव। तो तब मुझे मैं सोचने लगी कि आई लव यू, यू लव मी, ये वाला तो मामला है ही नहीं। इट इज आई लव मी एंड आई लाइक टू बी विद अ पर्सन हु लेट्स मी बी मी। जो मेरे मैं होने में आड़े आता है उससे फिर डिस्टेंस होने लगता है। लव इतने साल बाद समझ में आया, बताओ। वही तो, एंड इसका और इसका नहीं नहीं डोंट कमेंट लाइक दैट। द थिंग इज कि बात ये है कि हम इस तरह से कंडीशन होते हैं, बॉलीवुड देखते हैं, फिर ये वो तेरे बिना जिंदगी से कोई एंड ऑल दैट काइंड ऑफ सॉन्ग्स है, तेरे बिना मैं अधूरा हूँ, मेरे बिना तू अधूरी है, इट इज ऑल जस्ट क्रैप। माने इस तरह की रॉन्ग कंडीशनिंग है एंड वो सुन सुन के बड़े होके फिर हम ये सारी सब प्रॉब्लम्स हमारे आजू बाजू इकट्ठा कर लेते हैं। आपके चरण का शानदार, बहुत शानदार, जोरदार। देखो फिल्म वाले को अपनी फिल्म देखनी है, उससे जैसा तो सी मां बनवा लो।
या उससे आई लव यू कहवा दो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसको नोट गिनना है। आप क्या चीज़ से आप नोट गिनवाओगे वो बेचारा जज करने की कोशिश करता है। तो शुद्ध मार्केटिंग नहीं। और एक और चीज़ है कि देखो कोई सब में इम्प्रूवमेंट का स्कोप होता ही है, क्योंकि सब एक लेवल पे आके यू नो कहीं डगमगा जाते हैं। तो अगर मुझे लगता है कि मेरे पार्टनर ने कुछ चीज़ ऐसी करी है जो उसके लिए भी ठीक नहीं है और मेरे लिए भी ठीक नहीं है, तो मैं सिर्फ एक सजेशन देने का काम कर सकती हूँ। मैं ये नहीं बोल सकती नहीं तुम इधर मत बैठो, तुम इधर मत जाओ, ऐसा नहीं है भाई। यहाँ जाने से ये चीज हो सकती है, अब आगे आपको करना है तो आप करिए, नहीं करना है तो नहीं। पर ये स्वीकार होना कि लेट दैट पर्सन बी हिमसेल्फ, एंड ये चीज होती भी है सर। सी जब हम किसी फ्रेंड के साथ रहते हैं तो अब हम ऐसा कुछ बोले ए तू आम नहीं कर दो, तू आई नहीं चलते हो, तो क्या रहे दैट टाइम वी फील कि शायद वो मेरे इस तरह से बोलने से मुझसे दूर हो जाएगा, इसलिए मैं उससे एक विनम्र भाषा में बात करती हूँ। लेकिन जब मैं अपने वाले के साथ बात करती हूँ केम क्यों तो ते केम आऊ कही रू यू नो, सो देन दैट टोन ऑफ द सेम थिंग, द पर्पज वॉज सेम कि भाई तेरे पैर दुख जाएंगे तो तू क्यों जा रहा है, बट यार उसको जाना है जाने दो, अब उसके पैर दुखेंगे तो उसको ही समझ आएगी कि भाई मुझे जाना था या नहीं जाना था, एंड नहीं दुखेंगे तो मुझे समझ में आ जाएगी कि उसकी कैपेसिटी मेरे से बेटर है। सो कहने का मतलब ये है कि दिस स्पेस हैज टू बी, जैसे हम दूसरों को देते हैं वैसे अपनों को भी हमें देना चाहिए, तब जाके रिलेशन करीब रहेंगे, नहीं तो दूर हो जाते हैं, फिर चाहे वो लव हो या अरेंज हो या कोई फर्क नहीं पड़ता। जब लव नहीं रहता है तभी ज्यादा कहना पड़ता है। आपने जैसे फैमिली कैंप्स किए ऐसे सास बहू के भी कैंप्स करने चाहिए। मेरे को समझ तो ये आ गया, आपको जितने आइडिया आएंगे मेरे को ही काम बताओगे। ये क्यों नहीं कहते कि हाँ हम दोनों समझेंगे, हम दोनों सास बहू के कैंप चलाएंगे। मैं तो ये उम्मीद कर रहा था कि आप बोलोगे कि गुजरात में अब ये हैप्पी मैरिज की जिम्मेदारी हम दोनों की है और हम बाकी लोगों को इकट्ठा करके जिम्मेदारी ले लो, उसके बाद ठीक हो जाता है। आज ये कितने कपल हैं जो यहाँ कपल मौजूद हैं, कपल लोग हाथ उठाएं, कितने कपल को ये फीलिंग आ रही है कि हाँ ये करने लायक काम है और मैं इसके लिए अपने आप को तैयार करूँगा और हम इस काम को करेंगे, ले उसकी जिम्मेदारी। ये देखो गुजरात का ये समझो कि पिछला तो ट्रायल था, ये पहला कपल शिविर है, इसको पहला कपल शिविर माना जाए। तो ये कपल शिविर के लिए फाउंडर मेंबर्स टीम बना के और सब जगह इसको अपने आप को लोगों को ऐसे लोगों को ढूंढेंगे और मिलजुल के इसको करेंगे। एक्चुअली तो फ्रेंड्स को खींच के ही लाना है, वो तो कर ही सकते हैं। हाँ अभी तो आप मेरा ही, अभी तो आप मेरे को ही काम बताओगे, मेरे को पता नहीं। नहीं ये तो हमारी साइड से मैं बात कर रहा हूँ, कपल्स को लाना, फ्रेंड्स को लाना इजी है, वेकेशन पे लेके आ जाओ, वो पहले दिन उनको पकड़ के रखना पड़े पर बाद में तो ऑटो में रह जाएंगे। बिल्कुल नहीं, तो देखो मैं आपको बताता हूँ, मैं तो दिल से इस बात को कहना चाहता हूँ, मेरे को लगता है कि कोई चीज़ हमको छू जाती है जब हम अपने दिल की बात कहते हैं ना। देखो हम लोग कोई प्रोफेशनल स्पीकर नहीं है ना, मैं तो 24 साल की एज तक टाटा नेल्को मेरी पहली कंपनी थी, नेल्को टाटा, मेरा तो ठंडी में इंटरव्यू था, अक्टूबर नवम्बर टू के महीने में इंटरव्यू रहा होगा, दिल्ली में ठंड होती है और मेरा ठंडी में पसीना छूट गया था। तो मैं कभी मंच पे चढ़ा ही नहीं, पूरे कॉलेज स्कूल कॉलेज एक बार भी कभी मंच पे चढ़ा ही नहीं, मेरे को बोलने के नाम से तो मेरे को पूरी टांग ही कांपती थी। तो मैं तो कभी कॉलेज टाइम से लेके और जॉब तक भी मेरे को इंटरव्यू देने में भी बहुत पसीना छूटता था। तो मैं सोचता हूँ कि कोई बात हमको छू जाती है उससे हमारी ज़िंदगी में कोई परिवर्तन आता है तो अपने फीलिंग को ही तो शेयर करना है, तो इसमें कोई स्पीकर की ज़रूरत नहीं है। जो चीज आपके दिल को छुई होती है वो आप कह ही सकते हैं। मेरे कहने की बात ये है कि ऐसे ऐसे कपल है तो यहाँ जो कपल है हम ऐसा जी के दिखाएंगे कि दूसरे कपल कहेंगे कहाँ से आपको मिला। हाँ, तो ऐसे तरह आएंगे आप, ये बात ठीक है। पति पत्नी के बीच में ये खतरा मोल लेना थोड़ा सा महंगा है, ये जी के दिखाएंगे, अभी इनको जीने में लगेगा समय। पति पत्नी का रिलेशन वो जगह है जहाँ सबसे अधिक तैयारी की जरूरत है,
पति पत्नी संबंध की परिभाषा है एक मन दो शरीर। एक मन दो शरीर का मतलब है इधर एक तार बजता है उसका प्रभाव उधर पहुंच जाता है बिना बोले। तो पति पत्नी वो जगह है जहां दोनों यदि सही अर्थों में कहेंगे तो आचरण की ट्रांसपेरेंसी चाहते हैं। आचरण का ट्रांसपेरेंट हो जाना दर्शन की परिभाषा में कहेंगे तो वो आदमी की हाईएस्ट स्टेट है। तो हाईएस्ट स्टेट के आए बिना जो अपेक्षा हमको पति पत्नी संबंध में है वो पूरी होने वाली नहीं है। तो सबसे ज्यादा योग्यता की जरूरत पति पत्नी संबंध को जी, देखो भाई भाई से नहीं बनेगी, थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन कर। भाई भाई से नहीं बनती है, थोड़ी दूरी बना सकते हैं। बच्चों से नहीं बनती है, थोड़ी दूरी बना सकते हैं। पति पत्नी एक संबंध ऐसा है जहाँ दूरी बनाना भी झेलने जैसे है, जहाँ दूरी बनाने का भी ऑप्शन है नहीं। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि पति पत्नी वो संबंध है जो समझदारी की सबसे कठिन कसौटी है, क्योंकि जहाँ सब कुछ हमारा आर पार है, जहाँ कोई पैकिंग काम नहीं आती है, दोनों एक दूसरे के सामने आर पार है। इसलिए इस रिलेशन को उस तृप्ति के साथ जीने के लिए, जिस तृप्ति के साथ जीने की हमारी अपेक्षा है, उसके लिए बहुत तैयारी की जरूरत है दोनों तरफ से। यहाँ एक की तैयारी भी उतना काम नहीं आएगी, या एक की तैयारी भी अच्छी है लेकिन पर्याप्त नहीं है। तो इसलिए हमको काम ये करना होगा कि पहला काम है कि हमारा आचरण कब ऐसा होगा जब जमाने को देख के प्रेरणा मिलने लगे, उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन इस वातावरण को बनाए रखना, अपने भीतर उस माहौल को बनाए रखना, उस उत्साह को बनाए रखना। नहीं तो बहुत जल्दी आप उस जगह में आ सकते हैं कि यार थोड़ा सो प्रैक्टिकल नहीं है, सुनने में तो ठीक लगता है पर आचरण में तो नहीं आता है। इस जगह में आने में आपको ज़्यादा देर नहीं है। तो इसका मतलब है कि जब हम किसी जिम्मेदारी को स्वीकार लेते हैं, है ना, जैसे बोलते कि जो जिसके पास है वह उसको बांटेगा ही, इसका उल्टा सूत्र भी काम करता है। जो जिस चीज़ को बांटेगा वो उसके पास आ जाएगा, जो जिसके पास है वो उसको बांटेगा ही, ये तो पॉजिटिव सूत्र है। लेकिन इसका दूसरा भी काम करता है कि जो जिस चीज़ को बांटेगा वो उसके पास आ जाएगा। आप देखते हो कभी कभी कि किसी दूसरे का उत्साह कम है, उसका उत्साह वर्धन करने के चक्कर में आपका उत्साह बढ़ जाता है। दूसरे को डिप्रेशन से निकालने के चक्कर में आप डिप्रेशन से निकल जाते हो। और ऐसे तमाम लोग हैं जो खुद गहरे डिप्रेशन में गए हैं, उन्हीं लोगों ने बाद में दूसरों को डिप्रेशन से निकालने के काम किए हैं, क्योंकि उसको पता है आदमी कैसे फंसता है और कैसे निकलता है। तो इसका मतलब इतना ही हुआ कि यदि आप लोगों के मन में ये संकल्प आता है कि इस काम को चलाना, हम फाउंडर मेंबर्स हैं, इस काम को आगे बढ़ाना हमारी जिम्मेदारी है, तो फ्यूचर में हैप्पी मैरिड कपल्स के वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करना इस ग्रुप की जिम्मेदारी। बोलो हो तैयार? कितने लोग तैयार हैं? हाथ उठाओ। तो शाम को बैठ के तो अपनी मीटिंग कर लेना, कल सुबह सभा में बता देना, ठीक। तो अगले शिविर को कब ऑर्गेनाइज करना है कमल मंगल जी के साथ मिलके, अब ये आपकी जिम्मेदारी है। हम इस बारे में नहीं सोचेंगे, आप लोग सोचोगे, है ना, किसको लाना है, कहाँ ऑर्गेनाइज करना है, कहाँ कराना है, जगह आपकी, डेट आपकी, लोग आपके, अरेंजमेंट आपका, ठीक। आप जहाँ बोलोगे हम आगे शिविर कर देंगे, कम से कम 4 महीने पहले बता दो, 3-4 महीने पहले, है ना। ऐसा करेंगे तो वो जो हमारा एक उत्साह है, जब हम कोई चीज़ को दूसरों तक ले जाना चाहते हैं, उस जिम्मेदारी को ओन करते हैं, तो अपने में लाने की जिम्मेदारी बाय डिफॉल्ट आ जाती है। ऐसे घर हमारा थोड़ा सा अव्यवस्थित रह सकता है। ये हो जाए कि आज कोई गेस्ट आने वाला है, तब कैसा होता है, फटाफट 2 घंटे में चकाचक, ठीक, उत्साह भी बढ़ जाता है ना। तो इसलिए देखो अतिथि देवो भव, ये तमाम बातें जो हमारे देश में प्रचलित हैं, इसका एक इम्पॉर्टेंस है। किस क्वालिटी के लोग आपके यहाँ आते हैं उससे आपकी क्वालिटी बढ़ती जाती है। ये जो कहा ना कि महापुरुषों का घर में बैर पड़ जाए, ये बहुत सारी चीजें ऐसे लगता है कि दकियानूसी, पर यदि सही अर्थों में आप उस बात को वैल्यू कर पाते हो और कोई प्रेरणादायी लोग आपके, पुराने लोगों को देखोगे ना जिनके घर में आज़ादी के दौर में, है ना,
उनके खुद के घर के कोई लोग आज़ादी में शामिल हो गए थे तो क्रांतिकारी लोग उनके घर में आते रहते थे, तो उनके बच्चों का संस्कार ऑटोमेटिकली उधर का हो गया, क्योंकि घर में जिस तरह की बातें होंगी, जिस तरह का माहौल होगा, जिस तरह के लोग आएंगे, जैसे बिटिया ने बोला कि आप सब लोगों की बातें सुन के, ये माहौल की ज़रूरत है ना, यंग जनरेशन को इस बात को सुनने मिले कि जिन लोगों ने मकान पा लिया है, गाड़ी पा लिया है, अच्छी जॉब पा लिया है, वो क्या सोच रहे हैं। अच्छा, अभी हमको बाहर जो माहौल मिलता है तो हम सब अपने आप को ऐसा बताते हैं कि जैसे बस हम ही आइकॉन हो गए हैं, तुम उनको फॉलो करो। यहाँ एक ऐसा माहौल बनता है जहाँ कोई भी पैकिंग लगा के बात नहीं कर रहा है, अपना दिल खोल के बातचीत कर रहा है, जो उपलब्धि है उसको उपलब्धि के रूप में भी स्वीकार किया जाए, जो गैप है उस गैप को भी एक फैमिली में बैठ के जैसे हम एक दूसरे के सामने शेयर करते हैं, तो यहाँ से हमको जिंदगी की वो रियल पिक्चर सामने आती है कि मैं आगे के लिए फिर क्या तैयारी करूँ। तो अभी समाज में हमारे पास ऐसा प्लेटफॉर्म ही नहीं है जहाँ एक्चुअली जहाँ से हमारे दुख आते हैं, जहाँ से हमारी समस्याएं आती हैं, उन पे बैठ के हम बात कर सकें। हमारी सारे सामाजिक सारे सामाजिक हमारे फंक्शन एक दूसरे को चमकाने के, मैं आपको प्रभावित करने आऊँगा, आप मेरे को प्रभावित करने आना, मैं ऐसा बोलूँगा, आप ऐसा बोलना, कुल मिला के हम हर समय एक दूसरे को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं, इसमें थक जाते हैं, इसलिए किसी का किसी से ज़्यादा बात करने का मन नहीं है, क्योंकि सामने वाला भी बात करेगा, नकली नकली बात करेगा, आप भी नकली नकली बात करोगे, उसको भी समझ में आता है, आपको भी समझ में आता है, तो उसमें किसी को भी धीरे से हमारे संबंध मतलब औपचारिक रह गए। तो मेरे को लगता है कि इस तरह की चीज़ें होने की ज़रूरत है, और इस यंग जनरेशन में से यदि आप हैप्पी मैरिज के शिविरों का, मेरे को लग रहा है ये दूसरा हमारा एक्सपीरियंस है, पिछली बार हमने 3 दिन का किया था, 3 दिन करने के बाद ऐसा लगा कि टाइम बहुत कम रहा, फिर इसको थोड़ा रिवाइज किया, 5 दिन करके देखते हैं, ये 5 दिन दूसरी बार मतलब 5 दिन कर रहे हैं, इसमें ये कॉम्बिनेशन भी अच्छा था। मेरे को लगता है कि राजकोट की टीम को बहुत धन्यवाद है कि वो यंग जनरेशन को लेके आए, है ना, इसमें जो इनमें जो क्वालिटी आएगी वो बहुत अलग आने वाली है। यदि ये अब ये कल्पना कीजिए कि ये क्रम 5 साल चल गया और 5 साल में हर साल मान लो हम 2 शिविर 3 शिविर कर रहे हैं, तो हर साल 2-3 शिविर करने के प्रोसेस में ये यंग जनरेशन अगले 5 साल में ये शादी होकर किसी जगह पहुँचेगी, वो जो रिजल्ट हम देखना चाहते हैं, जिस क्वालिटी का देखना चाहते हैं, वो इनमें आएगा, हमारा भी आगे बढ़ेगा ही, लेकिन हमारी फिर भी एक कंडीशन माइंड हो गया, घर में कंडीशन स्थितियां हैं, फिर भी एक लिमिटेशन है, लेकिन ये अभी फ्री वर्ल्ड है, ये अभी ज़्यादा खुला आसमान देख सकते हैं, ठीक से सोच सकते हैं, तो यदि हम सब मिलकर एक दूसरे के लिए एक सपोर्टिंग एनवायरनमेंट बनाते हैं और इस तरह की चीज़ों को ऑर्गेनाइज करते हैं, तो मेरे को लगता है कि बहुत एक अपने भीतर एक उत्साह का वातावरण, हर 3-4 महीने बाद हो रहा है तो इस बीच में आपको उसको चीज़ों को ऑर्गेनाइज करने में लगे हो, फिर सारे मिल पा रहे हैं, इस बहाने जिन्होंने शिविर का जिसका मन नहीं है 5 दिन का शिविर करने का, वो भी एक दिन आएगा, चलो सबसे मिलना हो जाएगा, तो कोई इस बहाने एक प्लेटफॉर्म बन जाता है जहाँ सबके मिलने की गुंजाइश बनी रहती है और धीरे धीरे वो क्रम आगे चलता रहता है। तो मेरे को लगता है इस पर सोचिए, हर चीज़ को कुछ ही 100 लोग ऑन करेंगे ये संभव नहीं है, है ना, यदि हमको लगता है कि कोई एक्टिविटी काम की है, और मुझको ऐसा लगता है कि पिछली बार की तुलना में ये शिविर ज़्यादा पावरफुल रहा, जिन लोगों ने पिछली बार 3 दिन रहे उसके तुलना में इस बार हम ज्यादा पावरफुली काम कर पा रहे हैं। बढ़िया। अभी आंटी ने जैसे कहा ये उनको लव क्या है, व्हाट इज लव, ये हमें नहीं मालूम है, बट अभी मैं ये देख रही हूँ और मैं मतलब मेरे फ्रेंड सर्कल सब में 9th से ही मैंने पहले सुना, मतलब गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का ये कॉन्सेप्ट मैंने सुना और देखा, फिर ये दो लाइक एवरी कॉइन हैज टू साइड्स, मैं तो उधर से देख रहा हूँ तुमको, वहाँ से देख रहा हूँ, अपन वहाँ से बात करेंगे। हाँ जी, क्या बने? हाँ, इसलिए तो फुल स्क्रीन में कर दिया था। एवरी कॉइन हैज टू साइड्स, तो जैसे हमने ये बताया कि मैं मुझे भी ऐसे दो पार्ट ऐसे लगे, जैसे एक तरफ मैं देख रही हूँ तो जो रिलेशनशिप में है और जो दूसरी तरफ है जो ये बोलते हैं कि आप डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे, ये सही नहीं, हमें हमारे पेरेंट्स सोसाइटी सब ने यही कहा है कि अभी इस एज में ये बोलते हैं, एक पर्टिकुलर थिंग बोलते हैं, अभी आप इस एज में
मैच्योरिटी नहीं है आपकी और ये आप नहीं कर, आप इन सब में मत पढ़ो, आप पढ़ाई करो, ऐसे बोलते हो। दूसरी तरफ मैं ये देखती हूँ कि कितने कपल्स ऐसे होते हैं जो जैसे 9th से उनका कोई रिलेशनशिप चला है तो वो मैरिज तक पहुँचा है और मैरिज लाइफ आगे चल रही है, ऐसा भी देख चुकी। और फिर बोलते हैं कि नहीं मुझे प्यार है, मैं नहीं रह पाती, ये ऐसे सब बहुत कुछ सुना हुआ है मैंने भी कि इससे ये तो ट्रू लव है। हम बोलते ना अभी हमारे ट्रेंड में हमारे यही चलता है ट्रू लव है ये, तो ऐसा क्या होता है? लव तो एक ही होता है, ट्रू लव फॉल्स लव ये क्या, मतलब ये क्या बात होती है? ये बिल्कुल ही क्लियर नहीं हो रहा है बहुत टाइम से। और ये एज की बात, जो आप ये पढ़ाई नहीं कर पाओगे, ये मतलब लव क्या एज देख के होता है, हम एज देख के डिसाइड करते हैं या क्या? मुझे ऐसा लग रहा है ये बहुत ऊपर से व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है। जब आप 40 प्लस एज में आके, 40-50 की एज में आके जब आप किसी बात को जिम्मेदारी से बोलते हो तो ये युवा पीढ़ी आपको सुनना चाहेंगे। आवश्यकता इसी बात की है कि 50 वालों का, 50 वाले वो लोग जिन्होंने जिंदगी को बहुत नज़दीक से देखा, रूबरू देखा, वो 25 वालों के साथ में कम्युनिकेशन कर पाएँ, वो 25 साल पहले उनको बता पाएँ कि देखो फाइनली ये रिजल्ट आता है, तो इनकी ज़िंदगी में एक क्वालिटी आएगी और आपकी ज़िंदगी में एक मीनिंग आएगा। अभी हमारी ज़िंदगी में मीनिंग नहीं है, उनकी ज़िंदगी में क्वालिटी नहीं है, और एक आदमी फंस के, और ये भी वही फंस के आपको 50 में समझ में आया, इनको भी 50 में समझ में आएगा, तब तक तो गोल्डन लाइफ तो निकल गई। तो हर आदमी अपने लिए कुआं खोदेगा और पानी पाएगा की बजाय जिन्होंने पहले से कुआं खोद लिया है वो उसमें से टोंटी लगा के पानी पहुंचा दे। अभी हमारे 25 साल वाले, 50 साल वाले, 75 साल वालों में आपस में कोई कम्युनिकेशन नहीं है। ये जो कम्युनिकेशन गैप है, जो एक पीढ़ी, जो एक आदमी इतना धर्म धक्का खा के किसी निष्कर्ष पे पहुंचता है, दूसरा भी वही धर्म धक्का खा के फिर वो निष्कर्ष तक पहुंचता है, तब के उसके हाथ पैर ढीले हो जाते हैं। तो आदमी मानव जाति का आगे बढ़ने का इतना ही मतलब है कि यदि मोबाइल किसी ने इन्वेंट किया तो उसने मोबाइल अगली पीढ़ी को दे दिया, अगली पीढ़ी ने उसके ऊपर काम किया, है ना। हम मानव जाति में संबंध वाले पार्ट में हर आदमी वहीं जीरो से शुरू कर रहा है और वहीं नेगेटिव में जा रहा है। मोबाइल वाला उसकी पूरी थ्योरी देता है, उसका पूरा बुक बना के देता है, उसका पूरा स्ट्रक्चर बना के देता है, SOP, है ना। इधर अपना संबंध का कोई SOP नहीं, तो इसको सोचने की जरूरत। तो ये कपल शिविर की बात आगे बढ़ेगी, तो इसमें से जो अभी भावी कपल हैं वो भी आएँ, है ना, एग्जिस्टिंग कपल हैं वो भी आएँ, 50 के लोग भी आएँ, इनके बीच में एक बातचीत चलेगी, ये एक बढ़िया एक्सचेंज का एक वातावरण बनेगा, ये क्वालिटी देगी। भाई आज तुमने वो बोल दिया, लेकिन तुमने बोल दिया, क्वेश्चन तो सबके मन में है ना, ऐसा नहीं है कि सबके मन में वो क्वेश्चन नहीं, और कहीं ना कहीं गलत हम फंसेंगे। पिक्चर को देख के एक ही लगता है, आप सारी पिक्चरें देखो, शादी के बाद कोई पिक्चर नहीं बनती, सारी पिक्चरें शादी के पहले का ही मटेरियल है, शादी के बाद सीरियल बनता है जिसको फ्री में देखा जा सकता है। तो इसका मतलब इतना ही है कि सपने बेचने का काम है, शिक्षा भी सपने बेचने का काम है, फिल्में भी सपने बेचने का काम है, बाजार पूरा सपने बेचने का काम है। तो लोग आपका शोषण करने के लिए तैयार खड़े हैं, आप अपने माँ बाप से पैसा ले आओ, आपको सपने बेचेंगे और फिर आप जाके झेलना। सर वो जो बिटिया ने बताया लव के बारे में, लव तो सभी रिश्ते में होता है, वो समझेंगे ना, वो वहाँ तक का अपना माइंडसेट पहुँचे, और पिक्चर वाला तो वहीं तक पहुँचाता है ना। इतना हिप्नोटाइजिंग है हमारा पूरा मीडिया और फिल्म इंडस्ट्री कि एक बेचारा यंग बच्चा तो कब से देखते फिल्म आ रहा है। गलत है, जैसे हम ये होता है कि माइंड में ये पिक्चर क्रिएट हो रहा है कि जैसे कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड गार्डन में बैठे हुए हैं तो वो मतलब हमारी एज के या कोई भी, मतलब पुलिस आई और उसको ले गई, ऐसे वो गार्डन में बैठे हैं या कुछ भी, ये सब हमारे वो होता है। क्या गलत है ये? अभी जो वो है वो गलत है, पैसे की जरूरत है, पुलिस वाले को भी पैसे की जरूरत है। बढ़िया, खूब बढ़िया, ये सब बातें होने की जरूरत है ना, जहाँ से हमारी ज़िंदगी एक्चुअली कंट्रोल हो रही है, उन सारे इश्यूज पे हम बात कर पाएँ, हर चीज़ पे खुल के बात कर पाएँ। वो मंच ही हमारे पास नहीं है, वो प्लेटफॉर्म भी हमारे पास नहीं है,
जहाँ हम जिंदगी पे बात कर पाए। चलो और कुछ? हाँ जी, दो लोग प्यार से बैठे हैं तो लोगों को डाइजेस्ट होता है। हाँ, अगर दो लोग साथ में बैठ के लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं तो किसी को कोई इतनी दिक्कत नहीं होती है, सब मुझे तो नॉर्मली लगता है। हाँ, और दो साथ दो यंग लोग हैं तो प्रॉब्लम है, वो दो ही 50 वाले बैठे होंगे तो पुलिस नहीं आएगी। हाँ, मतलब जो प्यार करने की एज जो यंग थोड़ी होती है, मतलब ऐसा नहीं है कि एजेंट लोग नहीं कर सकते, पर जहाँ से एजेंट लोग तो प्यार नहीं कर सकते। मैंने कहा बोला, ये तो बोल रहा हूँ नहीं कर सकते ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, पर ये ऐसी सोसाइटी तो हम क्रिएट नहीं कर पा रहे हैं ना कि दो लोग प्यार से जी रहे हैं तो जेलसी फील हो रहा है कि प्यार समझ में नहीं आया, प्यार के नाम पे कहीं और ही जा रहे हैं। हाँ, ठीक है। डेफिनेशन ऑफ ह्यूमन बीइंग, कितना सोचना पड़ रहा है और क्या? अच्छा मैं नहीं बोल रहा हूँ, आपको लिखना है भाई, अपनी परिभाषा लिखो। मैं एक कंकाल हूँ जिसके ऊपर कुछ फ्लैश पैकिंग। देखिए, अभी तक जैसा हम मानव को समझते आए हैं उसका हाल देखने से समझ में आता है कि हमने मानव को कैसा समझा है। तो मैनेजमेंटल साइंस वाले उसको HR बोलते हैं, ह्यूमन रिसोर्स। साधन और मानव में क्या अंतर है? साधन और मानव में क्या अंतर है? साधन और मानव में अंतर ये है, जिसके उपयोग को मानव सुनिश्चित करे उसका नाम साधन है, जो अपने उपयोग को स्वयं सुनिश्चित करके तृप्त होता है उसका नाम मानव। ऐसे पेन को फेंक के यूज किया जाए, जेब में अच्छे से रखा जाए, इससे पेन को कोई फर्क नहीं पड़ता। यूज किया जाए नहीं यूज किया जाए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। तो पेन के उपयोग को मानव सुनिश्चित करता है, कैमरे के उपयोग को मानव सुनिश्चित करता है। कैमरे को कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसके सामने प्यार करो कि मर्डर करो, कैमरे के उपयोग को मानव सुनिश्चित करता है। लेकिन एक मानव तब तक तृप्त हो नहीं सकता जब तक वो स्वयं के उपयोग को स्वयं सुनिश्चित नहीं करता है। इसलिए नौकर बनना किसी को स्वीकार नहीं है। नौकर कौन है? जिसके उपयोग को दूसरा सुनिश्चित करता है, है ना? मैं एक मानव हूं, अपने उपयोग को जब तक मैं स्वयं सुनिश्चित नहीं करता, तो जो अपने उपयोग को स्वयं सुनिश्चित करता है और उससे तृप्त होता है उसका नाम मानव है, है ना? कोई दूसरा मेरे को काम बता दे, मैं उसको कर दूं, अच्छी बात है। लेकिन मैं सोचूं भी और करूं भी तो मेरे को तृप्ति है, क्योंकि मानव मूलतः सोचने वाली इकाई है। यदि सोचने का काम कोई दूसरा कर रहा है मेरे लिए, मैं केवल करने का काम कर रहा हूं, तो ये मशीन हो गई। तो मैं मशीन नहीं हूं। सोचने का काम करने से कम में मानव की तृप्ति नहीं है, है ना? इसलिए अनुभव की रोशनी में क्या कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ ज्यादा महत्वपूर्ण है कि क्यों कर रहा हूँ ज्यादा महत्वपूर्ण है? क्यों कर रहा हूँ ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो क्या कर रहा हूँ उतना महत्वपूर्ण नहीं है, क्यों कर रहा हूँ ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्योंकि क्यों कर रहा हूँ, यहाँ से आपको विजन पता चलता है। तो एक आदमी का विजन के साथ में होना उसके मानव होने की पहचान है, नहीं तो मजदूर है। तो मजदूर होकर हमको तृप्ति नहीं मिलेगी, चाहे हम अपने घर में ही मजदूर हैं। मजदूरी के लिए बाहर जाने की जरूरत नहीं है, हम अपने घर में ही मजदूर होते हैं, हम अपने खेत में ही मजदूर होते हैं। तो जब तक हमको जिंदगी के पर्पस का पता नहीं है, तब
तब तक मजदूरी चाहे कितनी कम है कि कितनी ज्यादा है, हम मजदूर ही होते हैं। इसलिए कैसी भी जॉब कर लो ना, आपको जॉब करके तृप्ति मिलती है, कोई भी बिजनेस चला लो ना, आपको बिजनेस करके तृप्ति मिलती है, क्योंकि हम बेसिकली मजदूरी होते हैं। मजदूरी ज्यादा होती है कि मजदूरी कम होती है। बढ़िया, इससे ये समझ में आया कि हमारी पूरी मैनेजमेंटल साइंस को, है ना, मानव समझ में आया कि नहीं आया, आया कि नहीं आया, नहीं आया, है ना। और आप काफी सारे यंग लोग हैं तो आपको बता देता हूँ, एक घटा जो एग्जांपल है, आईएम को हमारे देश में सबसे बड़े प्रतिष्ठान मानते हैं मैनेजमेंटल साइंस के लिए, मैनेजमेंट के लिए। आईएम लखनऊ का नोएडा में सेंटर है, दिल्ली में। उनके बहुत सीनियर प्रोफेसर ने एक बार शिविर किया और उन्होंने शेयर किया लास्ट में, 7 दिन का वर्कशॉप करने के बाद, लगभग 60 के आसपास की उनकी एज होगी, तो उन्होंने शेयर किया कि हम लोग एग्जीक्यूटिव एमबीए कराते हैं 48 लैक्स में 3 सेमेस्टर। फीस कितना है? 48 लैक्स, तो लगभग 50 लाख मान लो, 50 लाख में 3 सेमेस्टर मतलब 1.5 साल, तो 1.5 साल की फीस 50 लाख, और हम इतना ही सिखाते हैं जितना गिर सकते हो उतना उठ सकते हो, बस। ये मैं नहीं कह रहा हूं, आईएम का प्रोफेसर कह रहा है। अभी वो दिल्ली में ही किसी यूनिवर्सिटी के वीसी हो गए हैं, तो अभी एक महीने पहले बहुत दिन बाद फोन आया, सोम भाई ऐसे ऐसे बड़ी जिम्मेदारी मिल गई है, क्या कर सकते हैं। बोले होना तो यही चाहिए पर हमारी योग्यता पूरी नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जिसको हम एचआर कह रहे हैं उसका इतना ही मतलब है कि मानव को कैसे यूज किया जाए और फिर उसके शरीर को भी कैसे यूज किया जाए और उसकी अंतिम सीमा तक जहां तक जा सकते हैं। तो हम भी जब 20 साल पहले 25 साल पहले जब मैं जॉब करता था तब भी वो WWW चलता था मार्केटिंग में, वेल्थ वुमेन एंड वाइन, ऑर्डर इससे मिलता है और क्या। मार्केट में ये सब पहले से ही बहुत स्थापित है। ह्यूमंस को यूज करो और तो भी वो टूटे नहीं, कंपनी छोड़े नहीं, उस तरह से उनको फिर उतना मलम भी लगा, उतना मलम लगाते रहो, फिर उसके लिए उनको पटाया ले जाओ, हांगकांग ले जाओ, सारी बड़ी कंपनीज का, बहुत सारी कंपनीज का सेमिनार कहाँ पे होता है, जहाँ पे उनका वो जुगाड़ हो सकता है जिसको वो इंडिया में नहीं कर सकते। ये उसमें बिल्ट इन फीचर होता है। सारे डीलर्स जो बहुत माल बेचते हैं इनकी तो स्पेशली वहीं पे वर्क सेमिनार रखी जाती है जहाँ पे बाजू में पूरी व्यवस्था है, तो रात की व्यवस्था उनकी अलग चलती है और पत्नी होती है कि कंपनी उसको इंसेंटिव दे रही है और वाकई में इंसेंटिव दे रही होती है और आके वो अगले साल और ज़्यादा ऑर्डर के लिए काम करता है। ये एक्चुअल लाइफ है, सब सब सबका हाँ। इतना पैसा, इतना 5 स्टार्स में सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज करना और ये सब करना आता कहाँ से पैसा? 2 रुपए की चीज़ 200 में बेचना। तमाम देश के एग्रीकल्चर कॉलेज इसलिए खुले थे कि वो किसानों को सपोर्ट कर सके। किसी भी एग्रीकल्चर कॉलेज से निकल के कोई लड़का खेती करता ही नहीं है, वो किसी मल्टीनेशनल में जॉब करता है और उसी किसान का शोषण करता है जिसके लिए वो पढ़ाया गया है। तो सारे देश की एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के सारे स्टूडेंट्स और सारी यूनिवर्सिटीज किसान के शोषण के लिए काम करती है, उसके पोषण के लिए काम नहीं करते। फाइनली ये रियल पिक्चर है। मेरे को लगता है कि अभी हम अधिकांश लोगों को प्रॉब्लम के रूट्स भी पता नहीं होते हैं कि दुनिया चल कैसे रही है, चीज़ें ऑपरेट कैसे हो रही हैं। हम तो अपनी सी एक छोटी सी जॉब, छोटी सी सैलरी, है ना, घर का थोड़ा साइज बढ़ जाए, घर अपना हो जाए, इतने में हमारी दुनिया निकल जाती है। मानव में सोचने की ताकत है, वो सोल्यूशन प्रोड्यूसिंग फैक्ट्री है,
वो सॉल्यूशन प्रोड्यूसिंग फैक्ट्री हो सके, इसके लिए हमारी कोई तैयारी नहीं है, ऐसे हमारे पास मंच नहीं है, ऐसी हमारे पास जगह नहीं है जहाँ इस तरह की बातें शेयर हों और हमको दुनिया का पता चले और हम उस बारे में कुछ सोच पाएँ, है ना। तो ज़िंदगी निकल जा रही है, अपनों से जूझते हुए निकल जा रही है, आप कुछ बड़ा आउटपुट दे सके तो बात की बात है। तो HR मानव साधन नहीं है, ठीक। तो इस रूप में हमारा धर्म कहता है कि वो जीव है, जीव होने से हमको मानव समझ में नहीं आया, ना धर्म हमको मानव होने को समझा सका, ना अध्यात्म हमको मानव होने को समझा सका। आत्मा परमात्मा की बात करते हुए हजारों साल बीत गए, उसको बुरा नहीं कह रहा हूँ, उसको गलत नहीं कह रहा हूँ, उससे हमने बहुत कुछ पाया है, लेकिन हमको सुख समझ में आया, सम्मान समझ में आया, सामान से सम्मान की तलाश में है, सुख सुविधा से सुख की तलाश में है, कम से कम भारत में तो ना होते भाई, बाकी विदेशों में मान लो इतनी गहरी थियोरीज नहीं है, इतनी आत्मा परमात्मा का ज्ञान नहीं है, है ना। हमको तो आत्मा परमात्मा का ज्ञान पता था, तो इतने हजारों साल से आत्मा परमात्मा करते हुए भी कितने प्रतिशत लोगों की ज़िंदगी में दिखाई देता है कि उनको सही मायने में सुख समझ में आया, सम्मान समझ में आया, ठीक। तो हमके धर्म में भी हमको मानव समझ में नहीं आया, मैनेजमेंटल में समझ में नहीं आया। हमारे सोशल साइंसेस कहते हैं कि वो सोशल एनिमल है, सामाजिक पशु है। पशु बोलने में शर्म आई होगी तो प्राणी बोल दिया, प्राणी बोल दिया तो पेड़ पौधा हो गया, पशु बोल दिया तो एनिमल हो गया, मानव भर नहीं हुआ, बाकी सब ठीक। इधर इसने पदार्थ अवस्था में ले गया। हमारा मैनेजमेंटल साइंस कहता है कि वो पदार्थ है, रिसोर्स है। हमारा सोशल साइंस कहता है कि वो पेड़ पौधा है, फिर इंग्लिश में बोलेगा तो पशु है, फिर बोले दो पैर का जानवर है, कोई बोले हार्ड मास का पुतला है, नेताजी के लिए वोटर है, बाजार के लिए कंज्यूमर है। ये मानव भर नहीं है, बाकी सब कुछ है। इसमें कहीं भी मानव दिखता हूँ दिखाई, गूगल में देखिए मानव की परिभाषा नहीं मिलेगी आपको, पूरी धरती पे कहीं भी आपको मानव की परिभाषा अभी तक नहीं मिलेगी, क्योंकि मानव को मानव के रूप में पहचान नहीं पाए। पहचान पाए होते तो ऐसा जी पाए होते, अपनों के साथ ठीक से जी पाए होते। तो इससे पता चला कि अभी तक हमारे पास मानव की परिभाषा ही नहीं है। मानव की परिभाषा ही नहीं है तो ना पत्नी मानव है ना पति मानव है, और उम्मीद क्या कर रहे हैं एक दूसरे से? उम्मीद ऐसी करते हैं, दोनों की शादी हुई तो लड़के को लगता है राजकुमारी आ रही है, निरंतर सुख का रथ लेके, और लड़की भी सोचती है राजकुमार आ रहा है निरंतर सुख का रथ लेके। दोनों एक दूसरे का झांक के देखते, बोले तेरा तो खाली, बोले तेरा भी खाली। इसके बाद दोनों अपने रथ में AK-47 लेके बैठ जाते और तेल लगा दे। भाभी जी खुश हो रही है। वो फिल्मी प्यार होता है ना हमारा, हमारा प्यार तो फिल्मी होता है, जिंदगी ऐसी नहीं है। क्या समझ में आया? मानव की परिभाषा हमारे पास अभी तक की डेट में नहीं है। चलिए तो मानव की परिभाषा करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो पहले धीरे धीरे इवॉल्व करेंगे। देखिए मानव को देखा जाए तो मानव एकमात्र एंटिटी है जिसमें मनाकार को साकार करने की ताकत है, मनाकार को साकार करने वाला।
दूसरा मन है स्वस्थता। और प्रमाणित करने वाला, इसका क्या मतलब है? कितने लोगों को लिखने से समझ में आ रहा है? ऐसी एंटिटी का नाम मानव है। तीन बातें बोला गया, मनाकार को साकार करने वाला। मनाकार मतलब आकार किसका बनेगा? आकार किसका बनेगा? जो फिजिकल चीजें हैं। तो मानव के पास ये ताकत है कि वो किसी चीज को विजुलाइज करता है। हमने मकान को विजुलाइज किया, मकान को बना दिया, पंखा, कैमरा। तो मानव के पास एकमात्र एंटिटी मानव है जिसमें किसी आकार को, किसी मशीन को विजुलाइज करने की ताकत है, और वो उसको सोचता ही नहीं है, उसको चित्रण ही नहीं करता है, वैसा उसको आकार भी दे देता है। उसका मस्तिष्क, उसका शरीर भी उसके लिए अनुकूल है। तो इसको बोला कि मानव में कल्पनाशीलता है और कर्म स्वतंत्रता है। तो कल्पनाशीलता की ये ताकत है कि वो आकार को विजुलाइज कर पाता है, और उसके पास शरीर के माध्यम से वो कल्पनाशीलता है कि उसको एक आकार में ट्रांसलेट कर पाता है, आकार दे पाता है। मन स्वस्थता का आशावादी। मन की स्वस्थता मतलब मन स्वस्थ होगा, इसका मतलब खुश होगा, सुखी होगा। तो सुख की आशा में जीता है, और आशा में जीता रहे कि सुख को उपलब्ध भी हो जाए। उपलब्ध भी हो जाए का मतलब है कि प्रमाणित करने वाला। तो ऐसे इसके तीन पार्ट हो गए। तो इस पे हमारा ध्यान गया कि इसका मतलब है कि मन स्वस्थता का मतलब है कि बेसिकली सुविधा की बात हो रही है। और मनाकार का मतलब सुविधा की बात हो रही है। मन स्वस्थता का मतलब है कि बेसिकली सुख की बात हो रही है। तो मानव की सुविधा भी आवश्यकता है, सुख भी उसकी आवश्यकता है। और सुख कहाँ से आएगा? अब सोते हुए कोई पूछे तो समाधान बराबर सुख। समाधान का मतलब है हर आयाम में क्यों और कैसे का उत्तर। क्यों और कैसे का व्यवहारिक उत्तर, प्रैक्टिसेबल आंसर। ऐसा नहीं है दूसरे को सलाह दे दिया, अपने काम आ नहीं रही। क्यों और कैसे का व्यवहारिक उत्तर। हर क्यों और कैसे का उत्तर मेरे पास है, प्रैक्टिसेबल आंसर मेरे पास है। तो शरीर को क्यों स्वस्थ रखना है, क्यों पैसा कमाना है, क्यों जीना है, बच्चे क्यों करना है, शादी क्यों करना है ना। हर चीज का प्रैक्टिसेबल आंसर मेरे पास है। और वो प्रैक्टिसेबल आंसर का मतलब है वो मेरे लिए होगा कि यूनिवर्सल होगा। वो आंसर यूनिवर्सल ही होगा। जो सत्य है, जो सही है, वो सार्वकालिक है, सार्वदेशिक है, सार्वभौमिक है, सभी जगह, सभी काल में, सभी के लिए प्रैक्टिसेबल होता है। इसी का नाम नियम होता है, इसी का नाम यूनिवर्सल होता है। तो ये हमको पता चला कि हाँ, ये दो चीजें मानव की हैं। इसको कैसे हम पूरा करेंगे? तो बेसिकली ये कह रहे हैं कि जितनी भी सुविधा मानव के पास है उसको 6 भाग में डिवाइड कर सकते हैं। इससे ज्यादा की सुविधा मानव के पास है। एक मानव की बहुत बड़ी आवश्यकता है कि वो आहार उसकी आवश्यकता है, आवास उसकी आवश्यकता है, और अलंकार उसकी आवश्यकता है, फिर दूर गमन और दूर दर्शन और दूर श्रवण। ये 6 तरह की चीजें हैं। संसार में जितने भी साधन हैं उनको 6 भाग 98.6 बनाए रखने के लिए जो कुछ भी उसको आवश्यक है उस सब का नाम अलंकार है। तो उसमें क्या क्या आएगा? कपड़े भी आ जाएंगे, ठीक है, और क्या हो सकता है ना, पंखा उसमें आ जाएगा, एसी उसमें आ जाएगा, है ना। तो तमाम सारी चीजें उसमें आ जाएंगी कि शरीर के तापमान को बनाए रखने के लिए। फिर आप ज्वेलरी भी उसमें लगा देते हो। तो ज्वेलरी का बेसिक यूज ऐसा बोलते हैं कि बेसिकली ज्वेलरी में डायमंड, वो गोल्ड और धातुएं यूज होती हैं। धातुओं का शरीर के साथ जो टच है और साथ में एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर टाइप, तो बेसिकली स्वस्थ रहने के अर्थ में उसका कोई योगदान है।
उसको हमने बिल्कुल स्वस्थ रहने वाला भाग गायब हो गया, केवल दिखने वाले भाग में रह गए, ये अलग बात है, लेकिन मेनली उसका कोई पर्पस भी है, वो पर्पस कहीं छूट गया और बाकी सारी चीजें आगे आ गई, वो अलग बात। तो इसका मतलब है, अलंकार का मतलब है शरीर के तापमान को बनाए रखने के लिए आवश्यक चीजें। तो इसमें से तीन चीजें देखा जाए तो ये शरीर को जिंदा बनाए रखने के अर्थ में है, और तीन चीजें शरीर को गति प्रदान करने के अर्थ में है। इतना ही काम है, कोई चीज नहीं समझ में आ रही है तो बोलो। माइक लो। शरीर के लिए जैसे अलंकार जरूरी था तो एसीज और ये सब तो पहले से ही नेसेसिटीज में होना चाहिए, ये जैसे कि तो पहले से था ही, अभी हुआ था थोड़े कुछ सालों से। अरे ये वाला एसी शुरू में आया, पहले से ही ऐसे किले हैं जहाँ जमीन के नीचे की हवा ठंडी होके किले में सर्कुलेट कर रहे हैं, उस समय के वैसे जुगाड़ थे, स्टेपमेंट थे। हाँ, अभी वो NIIT यूनिवर्सिटी है निमराना, हरियाणा में पड़ती है, दिल्ली से लगा हुआ है। हाँ, तो उन्होंने पूरा डक्ट बनाया है नीचे, और डक्ट से हवा लेके आते हैं जमीन के नीचे की जगह, जैसे इसी हॉल को 6 फुट नीचे जमीन में ले जाए, बाड़मेर में भी है, तो ये ठंडा ऑटोमेटिकली जो नीचे की हवा रहती है वो ठंडी रहती है। तो जब ये AC उपलब्ध नहीं था तो भी लोगों ने हवा को ठंडे करने के नेचुरल जुगाड़ बना रखे, ठीक है। एसी का मतलब ये, इसको एसी नहीं बोलते हैं, एयर कंडीशनिंग होता है। देखने के लिए दूरदर्शन, मतलब दूर की चीज को देखने के लिए, तो वायरस भी हमसे दूर है और दिल्ली भी हमसे दूर है ना, तो हब्बल टेलीस्कोप लगा दो। आजकल वो कौन सा आ गया, आजकल वो लेटेस्ट जो वेब क्या बोल रहे हैं, है ना, अभी जो नया टेलीस्कोप लगाया है हब्बल, पुराना हो गया वेब, जेम्स वेब करके कुछ, ठीक है। तो दूर की चीज को देखने के लिए, तमाम गैलेक्सीज को देखने के लिए, दिल्ली में क्या हो रहा है उसको देखने के लिए, वायरस क्या कर रहा है उसको देखने के लिए, तो जो भी मेरी आंख की कैपेसिटी से देखने के लिए दूर की चीजें हैं उसके लिए मैं कोई मैकेनिज्म लगाता हूँ, दूर की बात सुनने के लिए कोई मैकेनिज्म बनाता हूँ, दूर आने जाने के लिए कोई मैकेनिज्म बनाता हूँ। इसे माइक क्या है, दूर श्रवण है ना, तो आपको भी दिक्कत नहीं हो, मेरे को भी बोलने में दिक्कत नहीं हो, आपको सुनने में दिक्कत नहीं हो, तो ये दूर श्रवण का काम कर रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, तो दुनिया का जितना पैसा है उससे फाइनली आप क्या करोगे, कोई वस्तु खरीदोगे, हैं? कोई वस्तु खरीदेगे, सारी वस्तु कितनी आएगी, या तो आहार होगी या आवास होगी या अलंकार होगी या दूरगमन होगी या दूर श्रवण होगी या दूरदर्शन होगी। आवास मतलब घर, रहने के लिए घर, आवास मतलब घर, आहार मतलब भोजन, ठीक। तो इससे क्या समझ में आया है, हाँ साथ साथ चल रहे कि नहीं, ले मेरे को दिखा रखा है। अरे महाराज ये दिखाओ, आप बोल तो वो भी दिखा दिए मैंने, आप बोलोगे तो आपको को दिखाएंगे। वो कभी कभी लगता है बोल रहे तो इनको दिखाओ, ऐसा हो जाता है, उसको कन्फ्यूजन हो जाता है, कोई बात नहीं। हाँ, तो ये देख के क्या समझ में आ रहा है कि पूरी धरती के सारे पैसे की कुल औकात या तो शरीर को जिंदा बनाए रखने के लिए या शरीर को गति प्रदान करने के लिए, इसके अलावा पैसे की और कोई औकात नहीं है। या फिर एक दूसरी है जो यहाँ नहीं लिखा है, AK-47 नहीं लिखा यहाँ, वो हमारी जिंदा रहने के लिए आवश्यक, तो मरने के लिए आवश्यकता है, तो अपन तो जीने की बात कर रहे हैं, जीने के लिए जिंदा रहने की बात कर रहे हैं, इसलिए कहा
कि युद्ध वीरता नहीं है, युद्ध हमारी कमजोरी है, युद्ध हमारी नासमझी है, युद्ध हमारी अंतिम असफलता है। हमको जीना नहीं आया, इसका नाम युद्ध है। हमने एजुकेशन का काम नहीं किया, इसका नाम युद्ध है, चाहे घर के अंदर है चाहे खुद के अंदर है। इसलिए AK-47 की जरूरत नहीं है, टैंक की जरूरत नहीं है, इसलिए उसको यहाँ नहीं लिखा। तो सारा धरती का सारा सामान की कुल उपयोगिता इतनी है कि वो शरीर को बनाए रखने के काम आता है, शरीर को गति प्रदान करने के काम आता है। इसके अलावा कुछ भी हमने सोचा वो हमारे दुखी होने का सामान है। ब्यूटी पार्लर कहाँ है? ब्यूटी पार्लर कहाँ है? अलग कार में आएगा। तो ब्यूटी पार्लर का इतना ही मतलब हुआ कि शरीर को स्वस्थ बनाए रखने के लिए जो कुछ भी हम करेंगे, है ना। अब हमने मान लिया है कि एक अंग्रेज, भारत ने अंग्रेजों पर राज किया होता तो क्या होता? तो हो सकता है गेरुआ रंग को हम ज्यादा अच्छा मानते और पेंट शर्ट की जगह हो सकता है अंग्रेज धोती पहन रहे होते। तो कौन किससे प्रभावित हो गया बड़ा? या कोई ड्रेस हमको इजी लगती है, ऐसे साड़ी की तुलना में सूट सलवार बहुत कंफर्टेबल ड्रेस है। तो इसका मतलब है कि कोई ड्रेस का कंफर्टेबल होना उसका पॉपुलर होने का कारण हो सकता है, या कोई ड्रेस से हम प्रभावित हो गए वो हमारा कारण हो सकता है। तो खैर, दोनों में मिला के सार इतना समझ में आया कि हर चीज, या तो ये सुंदरता अपने आप में अलग तरह की चीज है। तो बेसिकली मेरे को स्वयं में विश्वास की कमी है, जिसको मैं अलग तरीके से कुछ पैकिंग करके, है ना, लिपा पोती, उसको प्राइमरी बोलते हैं। जो आप पूरी ब्यूटी पार्लर में जाके करवाते हो उसको पहले प्राइमर मानते हैं। वही टर्म्स है सारी, है ना। तो इसका मतलब है कि यदि मैं, देखो जब भी कोई आप अच्छा काम करते हो, अच्छा सोचते हो, तो आपको खुद को कैसा फील होता है, है ना। तो आपको खुद ही लगता है एक बार आईना देख, और जब आपसे कोई गलती हो जाती है उस समय आपका आईना देखने का मन करता है। तो बेसिकली कहा जाए तो सुंदरता की परिभाषा जो है वो है आहार विहार व्यवहार बराबर सुंदरता। वो सुंदरता किसकी है? अभी हम शरीर की सुंदरता देख रहे हैं, जबकि मैं शरीर नहीं हूं। तो शरीर की सुंदरता मेरी सुंदरता नहीं है, शरीर का फोटो मेरा फोटो नहीं है। फिर आप सेल्फी लेते हो, नहीं, उसमें मीनिंग है। तो यदि आप पूरे जीवन का मेरी जो एक्चुअल फोटो है, सेल्फी में आप देखोगे कि अक्सर आप केवल चेहरे का ही फोटो लेते हो, शरीर का पूरा फोटो नहीं लेते। तो जीवन सबसे अधिक चेहरे से रिफ्लेक्ट होता है, चेहरे में भी आंख से रिफ्लेक्ट होता है। आंखों से जीवन डायरेक्टली झांक रहा है, मैं आंखों से डायरेक्टली झांकता हूं। तो बेसिकली आंखों की गहराई और आदमी की आंखों का एक्सप्रेशन, है ना, आंखों से आदमी बहुत कुछ आदमी से आदमी के बारे में नोटिस कर सकते हैं, क्योंकि आंख मेरा सबसे बड़ा एक्सप्रेशन है। जब गलती करते हैं तो आंखें कैसे हो जाती हैं? अपने आप झुक जाती हैं। किसी ने ट्रेनिंग दिया कि गलती करके आंख झुकाना है? और जब हम बहुत अपने में पवित्र होते हैं, है ना, कॉन्फिडेंट होते हैं, तो आंखें कैसी रहती हैं? आंखों में चमक रहती है, हम आंख से आंख मिला के बात करते हैं। तो इसका मतलब इतना हुआ कि बेसिकली जीवन ही चेहरे से रिफ्लेक्ट होता है, चेहरे में आंखों से सबसे अधिक रिफ्लेक्ट होता है। और यदि मैं अपने आप में कॉन्फिडेंट हूँ, मैं अपने आप में क्लैरिटी के साथ हूँ, अपने आप में कॉन्फिडेंस के साथ हूँ, तो मेरे को बहुत पैकिंग की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सारी पैकिंग की आवश्यकता तब ज़्यादा पड़ती है जब मेरे को अपने में विश्वास में कमी होती है। आप देखेंगे कि गांधी जी के जवानी के फोटो सुंदर हैं कि बुढ़ापे के फोटो सुंदर हैं? बुढ़ापे में व्यक्ति ज़्यादा आकर्षक लग रहे हैं, है ना। तो जो अपने भीतर एक स्वाभिमान है, जो अपने भीतर अपनी उपयोगिता से तृप्ति है ना, वो जो खुशी है,
वो चेहरे में रिफ्लेक्ट होती है, वो आंखों में रिफ्लेक्ट होती है। वही आदमी उदास है तो अलग टाइप का लगता है, वही आदमी का चेहरा जब खुशी से चमकता है तो अलग टाइप का लगता है। तो सही अर्थों में खुशी हमारा श्रृंगार है, हमारा खुश रहना, उत्साहित रहना है ना, कुछ कर गुजरने की तमन्ना के साथ होना, अपनी उपयोगिता को सिद्ध कर देना, जीने देना ही जीना है ना, ये जो इमोशन है, जब ये इमोशन चेहरे से रिफ्लेक्ट होता है तो हर चेहरा आकर्षक लगता है, हर चेहरा सुंदर लगता है। कितना बढ़िया, इसलिए मैं शिविर को नेचुरल ब्यूटी पार्लर भी बोलता हूँ। हाँ, ब्यूटी पार्लर लेके आए उसके लिए थैंक यू। और मैंने ऐसे कई सौ चेहरे देखे हैं, खासकर जो लोग डिप्रेसिव मोड में आते हैं उस समय उनका फोटो खींच लो शिविर के पहले और शिविर के बाहर फोटो खींच लो, आपको चेहरे में डिफरेंस देख के। इंजीनियरिंग कॉलेज के समय में लोग नोटिस करके बताते थे, सर इसका चेहरा परमानेंटली बदला है। उसमें लड़कियां ज़्यादा होती थी क्योंकि लड़कियां, वो बस्तर आदिवासी की लड़कियां आती थी, वो एक माहौल में आके वो डिप्रेस हो जाते थे। ये सो गोल्ड हमारे अच्छे बड़ी जातियों के बच्चे, स्वर्ण जातियों के बच्चे, ये जिस तरह से उनके रैगिंग करते थे, जिस तरह से उनको परेशान करते थे, उस माहौल में आके वो तो इन्फेरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स में आ जाते थे। या कोई कोई जिसके साथ कोई दुर्घटना घटी है, वो परमानेंटली उसके चेहरे पे डिप्रेसिव फीलिंग है। तो ऐसा आदमी जब खुश होता है तो तुरंत चेहरा बदल जाता है। काम की बात क्या निकली? आचरण ही मानव का श्रृंगार है। एक श्रेष्ठ आचरण के साथ जीना, एक सही आचरण के साथ जीना, पवित्रता के साथ जीना, वही हमारा चेहरे की चमक है, वही चेहरे का श्रृंगार है। बाकी बैगिंग नकली ज्यादा काम नहीं आती है। कहाँ पहुंचे? तो जितना भी सामान धरती पे है, पैसे की औकात इतनी है कि उससे हथियार खरीद सकते हैं, मारने का सामान खरीद सकते हैं कि जिंदा रहने का सामान खरीद सकते हैं। ठीक है, तो मारना कोई उपयोगी काम नहीं है, तो जिंदा रहने का सामान खरीद सकते हैं या शरीर को गति प्रदान करने की बात कर सकते हैं। तो कुल मिला के सारा पैसे का इतना ही मतलब है कि शरीर को जिंदा बनाए रखना और शरीर को गति प्रदान करना। अब यदि आपकी क्लैरिटी में यह आ गया है तो अब आप तय कर सकते हैं कि पैसे की हमारी जिंदगी में क्या भूमिका है। इसका ये मतलब नहीं है कि हम सबको सीमित में जीना है, कम से कम में जीना है, फिर ट्रक लोड हो गए, नोट आ भी गए तो उसका सदुपयोग करेंगे, है ना। आप कोई ऐसा काम करते हो, आप कोई ऐसी फैक्ट्री चलाते हो जिसमें कोई प्रॉफिट हो रहा है, तो जो लोग काम कर रहे हैं उनके वेलफेयर के लिए कुछ सोचेंगे, उसका सदुपयोग करेंगे। सदुपयोग ही सुख है, दुरुपयोग ही दुख है। तो ये क्लैरिटी हमारी बनी। अब ये आया कि शरीर की गति को बढ़ाने के लिए हम साधनों का यूज करते हैं। इन आवश्यकताओं को बोला सामान्य आकांक्षा। सामान्य आकांक्षा, इनको बोला महत्वाकांक्षा। सामान्य आकांक्षा क्यों बोला? आहार आवास अलंकार को, शरीर को बनाए रखने की आवश्यकता सभी की समान रूप से है, इसलिए सामान्य आकांक्षा। शरीर को बनाए रखने की आवश्यकता सभी के लिए समान रूप से है, इसलिए इसको सामान्य आकांक्षा बोला। दूरगमन, दूरदर्शन, दूरश्रवण की आवश्यकता सभी को उनकी भूमिका के अनुसार है, है ना। जैसे माइक की मेरे को जरूरत है, हेड माइक की आपको जरूरत नहीं है, है ना, क्योंकि मैं इस भूमिका में हूँ कि मेरे को कोई लगातार आपसे बात बोलना है तो इसलिए मेरी जरूरत है। तो दूरगमन, दूरदर्शन और दूरगमन की आवश्यकता सभी की भूमिका के अनुसार है, इसलिए इसको महत्वाकांक्षा कहा। तो महत्वाकांक्षा का मतलब क्या है? कार में चलना महत्व है। महत्वाकांक्षा क्यों बोला?
तो महत्वाकांक्षा बोला कि अपने महत्व को प्रमाणित करने के लिए आवश्यक साधन है ना। सूत्र है कि हर मानव अपने महत्व को जानकर तृप्त होता है, उसकी उपयोगिता ही उसका महत्व है। मैं मेरी उपयोगिता को आपके सामने प्रमाणित कर रहा हूँ। तो महत्वाकांक्षा का मतलब है अपने महत्व को प्रमाणित करने की आकांक्षा, अपने महत्व को प्रमाणित करने के लिए जिन साधनों की आवश्यकता है उनको महत्वाकांक्षा संबंधी साधन बोलते हैं। तो कार से चलना महत्वपूर्ण नहीं है, हेलीकॉप्टर से चलना महत्वपूर्ण नहीं है, हेलीकॉप्टर में बैठ के, कार में बैठ के, माइक से बोल के डिलीवर क्या किया वो महत्वपूर्ण है। तो किसी पद को पा लेना महत्व नहीं है, उस पद पे बैठ के डिलीवर क्या किया ये महत्वपूर्ण है। इसलिए माँ हो जाना महत्वपूर्ण नहीं है, माँ हो के डिलीवर क्या किया, पिता हो के डिलीवर क्या किया वो महत्वपूर्ण है। हर मानव तृप्त होता है तो अपनी उपयोगिता से ही तृप्त होता है। हम सोच रहे हैं हम कार में चलने से तृप्त हो जाएंगे, महंगी कार से उतरेंगे तो लोग हमको देख के प्रभावित हो जाएंगे, ये हमारे भीतर का कॉम्प्लेक्स है। पता चला सामने वाले का ध्यान भी नहीं गया, तो धीरे से हमारा ध्यान इस बात पे गया कि महत्वाकांक्षा, ये साधन सबके लिए अलग अलग है, ये सबके लिए एक जैसे नहीं हो सकते। तो मेरे को मेरी भूमिका के अनुसार कार की जरूरत है कि नहीं, मेरी मेरा कैंपस में ही वही मेरी जॉब है तो मेरे को मैं रेगुलर में कार की जरूरत नहीं है। तो इसका मतलब है धीरे से अभी ये प्रयोग दिल्ली जैसे शहरों में होने भी लगे हैं कि मान लीजिए एक फ्लैट में, एक कैंपस में 200-300 फ्लैट्स हैं, तो वहाँ एक बंदा नहीं, अभी एक दूसरा वाला भी बाहर कुछ चलता ही है, तो मैंने एक व्यवसाय शुरू कर दिया कि मैंने 10 कारें रखी। आप जब भी निकल के शॉपिंग के लिए जा रहे हो या कहीं मिलने जा रहे हो तो आप अपने पर्पज़ के हिसाब से कार सेलेक्ट कर सकते हो। आप लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे हो तो आप दूसरी कार ले सकते हो, आप मार्केट में जाना है तो आपको छोटी कार की ज़रूरत है। तो फ्लैट के 200 के 200 लोगों को किसी को कार रखने की ज़रूरत नहीं है, सबके लिए कार किराए पे उपलब्ध है ना। आप दिल्ली में तो लोग वैसे भी कार लेके नहीं जा रहे हैं बहुत सारे लोग, क्योंकि इतने ट्रैफिक में कौन कार ढोए, कहाँ पार्क करें, कहाँ ड्राइवर रखें। तो ड्राइवर सहित कार रखना ज़्यादा महंगा है, ओला उबर लेके जाना ज़्यादा सस्ता है। कहीं से भी फ़ोन किया 2 मिनट में गाड़ी आई, बैठे अपने, उतरे, चले, अपनी कार लेके जा, सस्ता भी पड़ता है, हेडेक भी नहीं है। तो धीरे से कल तक जिसको कार को हम स्टेटस सिंबल मान रहे थे वो आने जाने का साधन मैकेनिज्म की वजह से हो गया। जहाँ जिस काम को ज़्यादा लोग करने लगते हैं फिर वो सिस्टम में आ जाता है। तो अपना घर लेके, अपना घर तो वो लोग लेते हैं जिनको जिंदगी में कोई पर्पज नहीं होता है ना। तो पता चला बोले किराए का, हर साल हम हर साल नया घर में रहते हैं। पुरानी कोई इंग्लिश में कहावत है कि बेवकूफ लोग घर बनाते हैं, समझदार लोग उन घरों में रहते हैं। भाई आपने इतना सामान इकट्ठा कर लिया है उसको ढोना ही दिक्कत है। यदि आप जीने के लिए सामान घर में रखते हो तो मैं ये भी नहीं कह रहा कि अपना ना बनाओ, लेकिन घर हमारे अधिकांश घरों को जाके देखोगे तो आप जज करके देखो कि ये रहने वालों के लिए है कि सामान के लिए। तो पता चलता है कि रहने वाले लोग को एक कोने में सिमटे हुए हैं, सारे में सामान फैला हुआ है। बोलो बेनो, एक दूसरे को देख रहे पति पत्नी। पति पत्नी साथ में बैठने के बाद आदमी काफी नियंत्रित रहता है, सोचने के पहले 2 बार सोच के ही बोलता है कि अभी बोलूं कि नहीं बोलूं। नहीं नहीं ऐसे छोड़ के ना जाओ। अरे काम आचे, क्या समझ में आ गया? हैं ना? तो इस पूरी कहानी से हमको साधन की कहानी समझ में आई कि साधन का हमारी जिंदगी में रोल क्या है ना। घर मेरे लिए है कि साधन के लिए है,
तो बहुत सारे पिक्चर हम उलट उलट करके देख रहे हैं कहाँ गैप्स हैं। चलिए अब दूसरी बात कर लेते हैं। तो शरीर की गति क्यों बढ़ाना है? शरीर की गति क्यों बढ़ाना है? शरीर की गति बढ़ाना है ताकि हमारी उपयोगिता को विस्तार दिया जा सके। हम अहमदाबाद से पैदल चल के भी आ सकते थे, है ना? झंडे लेके चलते रहते। तो अभी इतना उतने ही टाइम में हम शिविर करके जब तक यहाँ पहुँचते नहीं, तो हमने अपने समय का सदुपयोग किया। एक बार मैं रायपुर से दिल्ली जा रहा था, तीन चार लड़के सामने बैठे थे, बहुत पुरानी बात है। वो एक लोग चर्चा कर रहे थे कि फ्रांस में बुलेट ट्रेन है, इंडिया में बुलेट ट्रेन आई नहीं, और इंडिया में सब गबला हो गया और सब बदमाश हैं, है ना? इंडिया में ट्रेन होती, बुलेट ट्रेन होती तो रायपुर से दिल्ली की दूरी लगभग 1200-1400 किलोमीटर है, तो अपन 3 घंटे में पहुँच जाते हैं। अभी 24 घंटा खटर 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 खटर, है ना? तो मैं बैठा सुन रहा था, तो थोड़ी देर बाद फिर दोस्ती हो गई। मैं देखो अच्छा ही है, कम से कम इंडिया में बुलेट ट्रेन नहीं आई है, तुमको घर जाके लड़ना ही था, तो कम से कम घर वाले भी आराम में हैं, तुम भी 24 घंटे आराम में हो। जब जिंदगी का पर्पज ही कुछ नहीं और चुगली चुगली खेलना है, तो ट्रेन में ही खेल लेते हैं, इसमें क्या है? ठीक है ना? तो इसका मतलब है कि शरीर की गति इसलिए बढ़ाना है कि आपकी उपयोगिता को और विस्तार दिया जा सके, तो वो जस्टिफाइड है, नहीं तो नेचर पे बोझ है। तो शरीर की गति कैसे बढ़ाना है, उसका क्या मतलब है? अब देखो, अब दूसरी चीज पे बात करते हैं, मन स्वस्थता। मन स्वस्थता का मतलब क्या है? मन का सुखी होना। मन सुखी कैसे होगा? समाधान से। और समाधान सुख होने के लिए क्या लगेगा? शरीर। तो सुविधा का उत्पादन करने के लिए भी शरीर की आवश्यकता है, सुखी होने के लिए भी शरीर की आवश्यकता है। तो शरीर को स्वस्थ बनाए रखने का पर्पस अब सामने आया। शरीर को स्वस्थ क्यों बनाए रखना है? ताकि मैं सुखी हो सकूं। मेरे सुखी होने के लिए शरीर एकमात्र साधन है, उस साधन को स्वस्थ बनाए रखने के लिए सुविधा की आवश्यकता है। तो ये डिफाइन होने से फिर सारा डिफाइन हो रहा है। तो मूल में क्या कहने की कोशिश है? मूल में 4-5 लाइनें बोलता हूं, उनको स्थिर कर ले अपने भीतर। मूल में मैं जीवन हूं, बाजू में कहीं लिखना चाहे लिख लें, मैं जीवन हूं, निरंतर सुख पूर्वक जीना चाहता हूं, निरंतर सुख पूर्वक जीना चाहता हूं, समाधान पूर्वक ही सुखी होता। स्किल की आवश्यकता है, तो कोई ना कोई काम करेंगे। शरीर को बनाए रखने के लिए स्किल की आवश्यकता है, शरीर का सदुपयोग कर सके इसके लिए समझ की आवश्यकता है। कुल आदमी की कहानी 6 लाइन की, कौन बोल के बताएगा? ये रोज सुबह उठ के मंत्र जैसा पढ़ना है, कौन बोल के बताएगा? माइक लो, माइक दीजिए। निरंतर सुख पूर्वक जीना चाहता हूँ, समाधान पूर्वक ही मैं सुखी रह सकता हूँ, नए शरीर बनाए रहते रहने के लिए मेल फीमेल अलग शरीर है, और शरीर को बनाए रखने के लिए ही स्किल की आवश्यकता है। लास्ट लाइन, शरीर के सदुपयोग के लिए समझ की आवश्यकता, शरीर के सदुपयोग के लिए समझ की आवश्यकता, क्यों जीना है, कैसे जीना है, ये समझ की आवश्यकता। समझ का नाम क्यों जीना है, कैसे जीना है, और शरीर को बनाए रखने के लिए स्किल की आवश्यकता है कि मैं खेती करूंगा, कि गाय पालूंगा, कि मैं फैक्ट्री चलाऊंगा, कुछ भी करूंगा, उसके लिए स्किल की आवश्यकता है। मानव दिख रहा है ना? तो मैं जीवन हूँ, मेल या फीमेल शरीर को चला रहा हूँ, है ना? तो आपकी स्थिति डिफाइन हो गई। मैं जीवन हूँ, मेल या फीमेल शरीर को चला रहा हूँ,
निरंतर सुखपूर्वक जीना चाहता हूँ, समाधान पूर्वक ही सुखी हो सकता हूँ। समझदार होने के लिए शरीर एकमात्र विकल्प है। शरीर बनते रहें इसके लिए स्त्री पुरुष शरीर होना एक आवश्यकता है। शरीर को बनाए रखने के लिए स्किल की आवश्यकता है। शरीर के सदुपयोग के लिए समझ की आवश्यकता है। समझ मतलब क्यों जीना है, कैसे जीना है। स्किल मतलब खेती, गौशाला, फैक्ट्री। बढ़िया, इतनी कहानी कुल। अब समझ में आ गया शरीर को क्यों स्वस्थ रखना है, ये भी समझ में आ गया पैसा क्यों कमाना है, ये भी समझ में आ गया कितना कमाना है। अब क्यों कितना सब डिफाइन होगा, चोटी पकड़ के रखना। चोटी पकड़ के रखेंगे तो उसके नीचे सब नियंत्रित रहेगा। तो चोटी क्या है, मानव लक्ष्य पूर्वक जीना, मानव लक्ष्य को साकार करना है। इसी भाषा को दूसरी भाषा में एक ही लाइन में कहेंगे, मानव लक्ष्य को समझना और मानव लक्ष्य पूर्वक जीना। जी माइक। सुखी रहना वो साध्य है, हाँ, वो पाने के लिए शरीर वो साधन है। हाँ, तो ये साधन है और बाकी भी रोटी कपड़ा मकान भी साधन है, ये साध्य है ना, ये साध्य है। समाधान साध्य है। साध्य है का मतलब है जो मेरा लक्ष्य है। अब समझदार होने के लिए शरीर मेरी आवश्यकता है। आगे चले एक साथ। अब मैं समझदार हूं इसका प्रमाण क्या होगा, मैं समझदार हूं इसका प्रमाण क्या होगा है, सृष्टि के नियम के अनुरूप जीऊंगा। तो सृष्टि के नियम के अनुरूप कहां जीऊंगा, परिवार में जीऊंगा, तो मैं समाज में जीऊंगा, प्रकृति में जीऊंगा, तो मैं न्याय धर्म सत्य पूर्वक, तो एक जागृत मानव समझदार मानव न्याय धर्म सत्य पूर्वक जीता है। एक समझदार मानव की पहचान क्या है कि वो न्याय धर्म और सत्य पूर्वक जीता है। न्याय क्या है, न्याय क्या है, तो समाधान का प्रमाण है कि वो न्याय पूर्वक जीता है नंबर एक, वो धर्म पूर्वक जीता है नंबर दो, वो सत्य पूर्वक जीता है नंबर तीन। न्याय पूर्वक जीने का मतलब है, न्याय पूर्वक जीने का मतलब है कि मानव न्याय पूर्वक जीता है। न्याय पूर्वक जीना परिवार में होता है, परिवार में न्याय प्रमाणित होता है, समाज में धर्म प्रमाणित होता है और चारों अवस्थाओं के साथ सत्य प्रमाणित होता है। तो न्याय का मतलब है मानव का मानव के साथ में जीना, मानव का प्रकृति के साथ में जीना, मानव दोनों के साथ में न्यायपूर्वक प्रस्तुत होता है, मानव दोनों के साथ में न्यायपूर्वक प्रस्तुत होता है, मानव के साथ में जीता है तो दोनों को उभय तृप्ति होता है, म्यूचुअल फुलफिलमेंट होता है, शिकायत मुक्त होता है। ऐसा हुआ तो इसका नाम न्याय है। न्याय उभय तृप्ति, म्यूचुअल फुलफिलमेंट, जिसने व्यवहार किया जिसके साथ किया दोनों को तृप्ति हुई और ये म्यूचुअल फुलफिलमेंट संडे टू संडे रहेगा कि हमेशा रहेगा, हमेशा रहेगा। तो दो मानव चाहे वो पति पत्नी के स्वरूप में है कि भाई बहन के स्वरूप में है कि मित्र मित्र के स्वरूप में है, कोई भी संबंध गिला सिकवा शिकायत से हमेशा हमेशा के लिए मुक्त हो जाए उसका एक ही तरीका है कि दो समझदार मानव हमेशा शिकायत मुक्त होकर जीते, दोनों समाधान से सुखी होंगे। सुखी होकर करना, तो हम व्यवहार सुखी होकर कर रहे हैं कि सुखी होने के लिए कर रहे हैं। अभी हम सुख की तलाश में व्यवहार करते हैं तो जो मिलेगा वो क्षणिक ही होगा, उससे तृप्ति होगी नहीं, तो कोई अतृप्ति बनी ही रहेगी, झंझट बना ही रहेगा।
तो समाधान पूर्वक सुखी होना, ऐसा सुखी मानव जब दूसरे मानव के साथ जीता है ना, जैसे आज हमारे शिविर का चौथा दिन है ना, कल लास्ट, चौथा दिन हमारे शिविर का हो गया। चौथे दिन रोज 8 घंटे बैठ के आपका लिसनिंग, आपका कंसंट्रेशन बढ़ रहा है कि घट रहा है? बढ़ रहा है। एक ही आदमी को देख के बोर तो नहीं हो रहे? नहीं हो रहे। ना कहने वाला थकता है, ना सुनने वाला थकता है। जबकि एजुकेशन में हमारा पीरियड माना जाता है कि 45 मिनट्स आदमी की लिसनिंग, आदमी का कॉन्सेंट्रेशन को 45 मिनट तक लिया जा सकता है, उसके बाद टॉपिक भी बदलो, आदमी भी बदलो, रोक सके। देखो पुरानी फिल्में कैसी थी, 4-4 घंटे वाली, फिर 3 घंटे में आई, फिर अभी 2.5 घंटे में आई, अभी 2 घंटे में आई, अभी 1.5 घंटे में आई, है ना। पुराना मैच 5-day मैच, फिर 1 day में आया, फिर 20-20 में आया, अभी 10-10 हो जाएगा और 10-10 हो जाएगा। सब अपनी ऑडियंस लूज कर रहे हैं। कैसे इस ऑडियंस को रोक के रखा जाए? तो टाइम कम करो, 3 घंटे कोई बैठने को तैयार नहीं है। तो धीरे धीरे ये सारे प्रोसेस ये बता रहे हैं कि इन चीजों में आदमी को रोक के रख पाना संभव नहीं हो पा रहा है। अभी वीडियोस कितना आ गया, बोले बस 5 मिनट का ही बताओ, है 15 सेकंड का ही बनाओ, इससे ज्यादा आदमी देखता ही नहीं है। तो आदमी का अटेंशन ले पाना कितना मुश्किल है। और ये अच्छे सिम्टम है कि गलत सिम्टम? ये सही सिम्टम। और उसको फालतू बोलो, उल्टा ही नहीं बोलता, मैं सीधा हूँ, आप उल्टे हो, मेरे को उल्टा बोलते हैं। आपने कंफ्यूज कर दिया बोलते हो, मैं कंफ्यूज कर दिया कि आप कंफ्यूज थे, आपको पता भी नहीं था, है ना। तो ये सारे अच्छे सिम्टम है कि आदमी, हम अपनी छोटी उम्र में कभी बोर नहीं हुए, हमको पता ही नहीं था बोरियत कोई शब्द होता है। अभी 4 साल का बच्चा कहता है बोर हो रहा हूँ, बोर हो रहा हूँ, इसका मतलब ये अच्छे सिम्टम है, अच्छी स्थितियाँ हैं। अच्छी स्थितियाँ का मतलब है कल तक एक बच्चा जिन चीज़ों में अपना वक्त गुजार लेता था, अब वो नहीं गुजार पा रहा, मतलब वो बड़ा हो गया है, उसको कुछ बड़ी चीज़ों की तलाश है। ये बच्चा मान उसको रहे हैं, वो जो वो उसकी तुलना में मेच्योर हो गया। अभी आप 5 दिन के लिए यहाँ आए, वो गोलियाँ होती थी ना, ऐसे कंचे खेलते थे, क्या बोलते हैं, गोटी। अब यहाँ आके सब लोग, आप लोग यहाँ आए, आपको सबको 10-10 गोटियाँ दे दें, जाओ गोलियाँ गोटियाँ खेलो, अब नहीं चले, बैठे नहीं पाए, अब नहीं चलेगा। किसी उम्र में खेल लेते थे, अब बड़े हो गए। तो जैसे जैसे हम बड़े हो रहे हैं, पुराने तरीके काम नहीं आ रहे हैं, इसलिए नए तरीकों की जरूरत है, इसलिए जिंदगी की जरूरत है। जिंदगी से कम में अब रोक के रख पाना मुश्किल है ना। देखो ये 8 दिन न भय, न प्रलोभन, न आस्था, ये भी एक इस बात को समझने से आपका पैसा बढ़ जाएगा, ऐसा नहीं बोल रहे, आपका नाम बढ़ जाएगा ऐसा भी नहीं, बल्कि पैसा कट, नाम कट, फैशन कट, ब्यूटी पार्लर कट, उसके बावजूद भी नहीं दे। और बताओ आगे। और ये जो गेमिंग इंडस्ट्री है वो हर साल मतलब उसका रेवेन्यू और उसकी जो सेल्स है बढ़ती ही जा रही है। हाँ, क्योंकि क्योंकि गेमिंग इंडस्ट्री लगातार अपने आप को अपडेट करती है, आप देखो लगातार अपने आप को अपडेट करती है, धीरे से वो 3D वर्चुअल, और वो उसको उस खुद उसको उसको उसमें इन्वॉल्व कर दिया है। ये खुद को इन्वॉल्व करना ये बहुत फैसिनेटिंग है, ये बहुत उसको खींचता है, तो उसको खींचेगा। अब उससे कोई बड़ी चीज़ दो, उससे कोई बड़ी चीज़ ज़िंदगी ही हो सकती है। तो जब तक उससे बड़ी चीज़ हम नहीं देंगे तो उस चीज़ में हम लगा रहे, तो नेचुरल। लेकिन ये जितना अभी खेल रहा है, ये जैसे ही बड़ा होगा ये बहुत सारी चीज़ें छोड़ के बाहर निकल जाएगी। जो मैच्योरिटी 25 साल में आती वो इसको 10 साल में आ जाती। सारी जिंदगी थोड़ी आदमी गेम्स खेल सकता है, उसका वो झांकेगा नहीं।
प्रकृति के साथ में न्यायपूर्वक प्रस्तुत होता है, मानव के साथ में न्याय प्रमाणित होता है, न्याय का मतलब है शिकायत मुक्त संबंध, और प्रकृति के साथ में संतुलन प्रमाणित होता है, परिवार में समृद्धि प्रमाणित होता है, इसकी हमने चर्चा की है, तो ये स्वयं प्रमाण हो गया। ऐसा जी पाने का नाम न्याय है। तो एक समझदार मानव का, एक मानव के मानव होने का प्रमाण है कि वो न्यायपूर्वक जीता है, उससे कम में हम मानव नहीं है। इसलिए क्या बोला, हम आकार से मानव हैं कि आचरण से मानव, हम आकार से मानव हैं, आचरण से मानव होना अविशेष, हम आकार से मानव हैं, आचरण से मानव नहीं है। इसलिए अपनों से दुख पाया है, अपनों को दुख दिया है, क्योंकि क्यों जीना है, कैसे जीना है कि क्लैरिटी हमको नहीं है, तो हम आचरण से मानव नहीं है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम IAS बन गए, 10,000 करोड़ पा लिया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मानव नहीं है, मानव होना विशेष। तो ये क्लैरिटी बनी कि मानव के मानव होने की मिनिमम क्वालिफिकेशन है कि वो न्यायपूर्वक जिए। न्यायपूर्वक जीने का मतलब है कि अपने परिवार में शिकायत मुक्त, अभाव मुक्त होके जी पाना। ऐसे जी पाने का मतलब है कि अब आपके पास समाधान है, आपके समझदार होने का प्रमाण है कि मैं न्यायपूर्वक जी पाता हूँ, मेरे न्यायपूर्वक जीने का प्रमाण प्रस्तुत करता हूँ, और ये परिवार में ही होता है। जब परिवार कह रहे हैं तो मित्र परिवार भी उसमें शामिल है, ठीक। इसलिए अब मानव की परिभाषा हो सकती है, तो हम एक घर में साथ साथ रहते हैं कि जीते हैं? अच्छा, रहते हैं, जीना चाहते हैं, जी नहीं पा रहे हैं, यही किला सिखवा शिकायत है, ठीक, जीना चाहते हैं। तो हम एक घर में साथ साथ रहते हैं लेकिन हम जीना चाहते हैं। जीने का क्या मतलब हुआ, शिकायत मुक्त अभाव। तो हमेशा अपने में तृप्ति के साथ जिए, अपनों के साथ तृप्ति के साथ जिए, अपने में तृप्ति, अपनों में तृप्ति, और इसकी निरंतरता, इसका नाम जीना है, इसका नाम जीना है। तो ऐसा हम जी पाए तो मानव साथ साथ क्यों रहता है, मानव साथ साथ क्यों रहता है एक घर में जीने के अर्थ में, जी पाए इस अर्थ में। और जीने की क्वालिफिकेशन क्या है, कौन जी पाएगा, जो समझदार होगा, जो स्वयं के साथ प्यार करने की स्थिति में होगा, स्वयं को समझने की स्थिति में होगा। तो इसका मतलब यह हुआ कि सही अर्थों में, और पशु साथ साथ क्यों रहते हैं, पशु साथ साथ, पशु भी ग्रुप में रहते हैं ना, भोजन प्रजनन। तो पशु साथ साथ इसलिए रहते हैं कि वह भोजन प्रजनन के लिए साथ साथ रहते हैं। अभी हम मानव भी साथ साथ क्यों रहते हैं, क्या कर रहे हैं साथ साथ रह के, वही बोल रहे वह भोजन प्रजनन वही कर रहे हैं। तो इससे समझ में आया कि हम आकार से मानव हैं, आचरण से मानव होना विशेष है। तो इसलिए बोला कि मानव का मानव के साथ एक छत के नीचे रहने का पर्पज वह भोजन प्रजनन नहीं है, क्योंकि वो हमने करके देख लिया है, उससे तृप्ति नहीं मिली है ना। पशु का ऐसा करना वंश विधि से उसकी आवश्यकता है, तो पशुओं के लिए जिंदा रहना आवश्यक भी है, पर्याप्त भी है। मानव के लिए जिंदा रहना आवश्यक है, पर्याप्त नहीं है। क्या पर्याप्त है, जीना पर्याप्त है। और जीना क्या होता है, न्यायपूर्वक जीना ही जीना होता है, शिकायत मुक्त, अभाव मुक्त होके जीना ही जीना होता है। इसलिए मानव न्यायिक सामाजिक इकाई है, इसलिए मानव न्यायिक सामाजिक इकाई है। न्यायिक सामाजिक इकाई है क्या मतलब, एक ऐसी एकम, इकाई मतलब एकम, एक ऐसी एंटिटी जो न्यायपूर्वक जीने के लिए सामाजिक हुआ है, जो न्याय को प्रमाणित करने के लिए सामाजिक हुआ है। मैं न्याय को प्रमाणित कर सकता हूँ, मैं समझदार हूँ, अपनी समझ को प्रमाणित कर सकता हूँ,
ऐसा प्रमाणित करने के लिए जो एक छत के नीचे इकट्ठा हुआ है उसका नाम मानव है। तो मानव न्यायिक सामाजिक इकाई है। हाँ, प्रयोजन न्याय, तो न्याय पूर्वक जीना प्रयोजन है, धर्म पूर्वक जीना प्रयोजन है, सत्य पूर्वक जीना प्रयोजन है। ठीक हो गया। तो मानव की, तो हमको मानव पहचान में आया कि मानव किसको बोल रहे हैं। तो कोर्ट में न्याय होता है कि फैसला होता है? फैसला होता है। क्या फैसला होता है? उसका उसका मूल प्रिंसिपल क्या है? वो हमारी माँ ने हमको बचपन में बताया था। जब हम बचपन में गिर गए थे तो उसने चीटी मारी थी, चुप हो जा, मैंने चीटी मार दी, थक जमीन को थप्पड़ मार दिया। तो हम गिरे और जमीन को थप्पड़ मारने से माँ ने क्या सिखाया? सामने वाला गलत है और उसको सजा देना है। तो कोर्ट भी यही करता है, यदि ए ने बी को नुकसान पहुंचाया है तो ए को क्या नुकसान पहुंचाया गया है कि बी की भड़ास निकल जाए। इसका नाम न्याय है। ये न्याय है कि फैसला है? इसमें दोनों तृप्त होते हैं कि एक की भड़ास बनी ही रहती है, बने ही रहती है, एक हारता है एक जीतता है और फाइनली दोनों फिर वही गलती करने के लिए तैयार ही रहते हैं। इसका मतलब कोर्ट को न्यायालय कहा जाए कि फैसलालय कहा जाए? चलो ये भी गया, तो सुप्रीम कोर्ट गया। तो सुप्रीम कोर्ट के पास न्याय की समझ नहीं है, इसलिए वह न्याय वहां से न्याय की अपेक्षा ना करें। इसलिए पति पत्नी को कोर्ट में जाने का कोई औचित्य नहीं है। नहीं साथ में रहना है तो अपने तय कर लो, है ना, वहां जाके और अपनी, एक बार कोर्ट केस में चला, एक बार कोर्ट में केस चला गया, फिर तो वकील बताता है कि तुम ये बोलो, ये झूठे इल्जाम लगाओ, ये लगाओ, वो लगाओ, वो तो दोनों कहीं और रह गए, दो वकील लड़ रहे होते हैं और दोनों वकील दोस्ती होते हैं, उनके लिए आप ग्राहक होते हो, जितना केस लंबा चलेगा उनकी ग्राहकी लंबी चलेगी। तो डॉक्टर भी अपने कस्टमर को लगातार बनाए रखना चाहता है, वकील भी अपने कस्टमर को बनाए रख, वो तो उसी कोर्ट में रहना है, आप जैसे लोग आते जाते रहते हैं, हाँ हम उनके सुख का साधन। तो पहले घर में लड़ते हैं, फिर दूसरे को रोजगार देते हैं, कितने उपयोगी। तो पति पत्नी पे पुराण लिखा जाए, पति पत्नी पुराण, पूरा कर। हाँ जी, बढ़िया हो गया, क्या समझ में आ रहा है, ठीक लग रहा है। तो मानव न्यायिक सामाजिक इकाई है, ये काम की बात निकली, ये एक नोबेल प्राइज का मटेरियल है। सीरियसली बोल रहा हूँ, पूरी धरती पे ये मानव की परिभाषा भी नहीं मिलेगी। जिन लोगों को पीएचडी करना है वो फ्यूचर के लिए यदि इसको ठीक से समझते हैं तो इतने डायमेंशन हैं, चाहे वो सोशल साइंस की बात करें कि साइकोलॉजी की बात करें कि हम अर्थशास्त्र की बात करें कि मानव की बात करें, एजुकेशन की बात करें, 1000 पीएचडी का मटेरियल है। और ऐसी ऐसी पीएचडी हो सकती है जो बुक संसार को कुछ कंट्रीब्यूट कर सके, अभी तो पीएचडी कट पेस्ट होते हैं, तो कुछ मीनिंगफुल रिसर्च किया जाए। धर्म का मतलब है यदि सभी परिवार न्यायपूर्वक जीने लगे तो समाज कैसा होगा। तो धर्म का मतलब है अखंड समाज। समाज अखंड हो जाए इसका मतलब है भय मुक्त समाज। यदि परिवार शिकायत मुक्त, अभाव मुक्त होने लगे, बाई एजुकेशन होने लगे तो भय मुक्त समाज हो जाए, यही धर्म है। सारे धर्म का इतना ही मतलब है कि समाज भय से मुक्त हो जाए, और धर्म का कोई मतलब नहीं। इसको समझेंगे,
सत्य का मतलब है कि अस्तित्व में जो कुछ भी है वो चार अवस्थाएं हैं, जो कुछ भी सत्य है उसी में है, उसको समझेंगे तो चारों अवस्थाओं में संतुलन प्रमाणित हो जाए। ग्लोबल वार्मिंग, ये क्या है, फैमिली वार्मिंग से मुक्ति हो गई, ये ग्लोबल वार्मिंग से मुक्ति हो गई, चारों अवस्थाओं में संतुलन हो जाए, फाइनली इससे ज्यादा कुछ होता नहीं, इससे कम में चलेगा नहीं। तो क्या कहा, एक मानव अपनी समझ को, हाँ जी ठीक से सुन लीजिए, एक मानव अपनी समझ को परिवार में न्यायपूर्वक जी के प्रमाणित करता है, समाज में धर्मपूर्वक जी के प्रमाणित करता है, चारों अवस्थाओं के साथ सामंजस्य पूर्वक जी के, संतुलन पूर्वक जी के नेचर में बैलेंस को प्रमाणित करता है। तो मेरे समझदार होने का प्रमाण, मैं समझदार हूँ कि नहीं हूँ इसका प्रमाण कहाँ मिलेगा, परिवार में मिलेगा, समाज में मिलेगा, नेचर के साथ मिलेगा। तो एक समझदार मानव कैसा जीता है, न्याय धर्म सत्य पूर्वक जीता है। एक समझदार मानव के समझदार मानव का आचरण कैसा होगा, वो न्याय धर्म सत्य को प्रमाणित करेगा। तो यदि मैं न्याय पूर्वक जीता हूँ, न्याय धर्म सत्य पूर्वक जीता हूँ, तो मैं मानव हुआ, मैं न्याय को प्रमाणित करता हूँ, इसका नाम मानव है, इसका नाम मानव पद है। मैं धर्म को प्रमाणित करता हूँ, इसका नाम देव मानव पद है। मैं सत्य को प्रमाणित करता हूँ, इसका नाम दिव्य मानव पद है। मानव पद उपलब्ध हो गया, उसके बाद संसार के सारे पद उसके सामने छोटे ही। हमारे पास मानव पद नहीं है, इसलिए कोई पद पाके अपने महत्व को जानने की कोशिश कर रहे हैं, फिर जो पद मिलेंगे उनके साथ भी न्याय करेंगे, और नहीं है तो हमारे पास मानव पद है ही है, वो अपने आप में पर्याप्त है। धन्यवाद, नमस्कार, फिर मिलेंगे ब्रेक के बाद।